हरे कृष्णा बोले जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे कोई भी मंगल कोई काम करने के लिए जाते थे गुरुदेव ये भजन को गवाया करते थे क्योंकि ये भजन का नाम है मंगल मंगल गीत मतलब होता है अगर हम कुछ भी काम करते हैं कुछ भी काम करने से पहले अगर भगवान का नाम को स्मरण करते हुए कोई भी हम काम करें वो जरूर मंगल होता है इसलिए कहते इसलिए इसका नाम है मंगल गीत है इसका नाम है इसलिए जैसे जन्माष्टमी राधाष्टमी कुछ भी काम कोई भी तिथि में गुरुदेव सबसे पहले ये भजन गवाया करते हैं और ये भजन का इतना महत्व है कवि जयदेव गोस्वामी का गुरुदेव कहते थे ये भजन कहीं भी हो ठाकुर जी रह ही नहीं सकते उनको वहाँ जाना ही पड़ता है इसको उनको जाना ही पड़ता है तो गुरुदेव कहते थे बोले एक समय जगन्नाथपुरी में कोई एक देवदासी थी देवदासी किसको कहते हैं कहते जो माता है जिन देवी और शादी नहीं करा किसी कहिए अभी बोलो आप इसलिए गुरुदेव कहते थे जो देवदासियां हैं कहते ये देवदासियां जो कभी जो शादी नहीं करती है और जो जगन्नाथ जी को ही अपना पति मानती है जगन्नाथ जी को और आकुमार ब्रह्मचर्य जो पालन करते हुए जो आकुमार जो ब्रह्मचर्य जो पालन करती थी कहते उनको कहते देवदासी और ये देवदासी जगन्नाथ जी को सामने कहते बड़े सुंदर भजन को गाती थी और बड़े सुंदर जगन्नाथ जी को सामने कीर्तन करती थी नृत्य विद्या सिखाया करती थी जगन्नाथ जी को देख करके जगन्नाथ जी बड़ी खुश हुआ इसलिए गुरुदेव बोलते थे बोले एक समय कोई एक देवदासी बैगन तोड़ रही थी कहती ये बैगन तोड़ते समय ये भजन को वो गा रही थी लेकिन ये भजन में कहते श्री राधा रानी की बड़ी महिमा इस भजन में इसलिए हिंदी में एक भजन है ना राधे राधे रटते चले आएंगे बिहारी जहाँ पर श्री राधा रानी का नाम हो भगवान वहाँ भागते 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 इसलिए कहते इसी भजन में राधा रानी की बड़ी महिमा गाई गई राधा रानी की बड़ी इसमें महिमा है और जहाँ राधा रानी की महिमा हो जहाँ राधा रानी की महिमा हो कृष्ण तो वहाँ भागते भागते आते हैं इसलिए जब वो देवदासी ये भजन गा रही थी हरे कृष्ण मैं सोच रहा हूँ उनको बाहर बैठा ट्रांसलेट करने वालों को नहीं उनका स्वर इधर आ रहा है सर वो सुनेंगे कैसे अच्छा सुनेंगे अच्छा अच्छा ये बाहर नहीं लग सकता नहीं नहीं ठीक ठीक नहीं 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 यहाँ पर जो दोनों है ना वो यहाँ बीच में बाइलिंगुअल हो जाता है ये गंगा जमुनी तहसीब हो गई हाँ people got used to like this हरे कृष्ण इसलिए अभी वो देवदासी ये भजन गा रही थी और बैगन तोड़ रही थी और ये भजन में राधा रानी की महिमा है देखो ये पहला लाइन में क्या कहते हैं कहते पहला लाइन में कहते श्री कमला कुच मंडल है ध्रुत कुंडल है कलित ललित वनमाला जय जय देव
इसमें जगन्नाथ जी की सारे श्रृंगार की वर्णना करते हैं। कभी जगन्नाथ जी व कृष्ण वो जो कुछ धारण करते हैं वो सब कुछ ये राधा रानी को उपलब्ध करते हैं। और राधा रानी जो कुछ धारण करती है तो सबके सब श्री कृष्ण को उपलब्ध करते हैं। जैसे कृष्ण का वस्त्र कैसे है, कृष्ण का वस्त्र का रंग कैसे पीला रंग है, कृष्ण के पीले रंग के क्यों इतना प्यारा है, क्योंकि राधा रानी का जो शरीर का रंग है वो पीला रंग है। तब तो कांचन गौरानी, राधा रानी का जो रंग है एकदम तप्त हुए जो सोने का रंग जैसे है, इसलिए कृष्ण को राधा रानी को प्यारे है। इसलिए कृष्ण कृष्ण राधा रानी को खुश करने के लिए वो वस्त्र धारण करते हैं। और राधा रानी का जो वस्त्र का रंग कैसे है, कहते नील वसना गौरी, इसे राधा रानी का जो वस्त्र का रंग है नील रंग है, नील रंग क्यों है, मतलब कृष्ण का जो रंग है वो नील रंग है। राधा रानी का जो चुंदरी का जो रंग है कौन सा रंग है, कहते गुलाबी रंग है, हाँ कहती गुलाबी रंग, बोले गुलाबी रंग क्यों धारण करती, कहती जो गुलाबी रंग है वो प्रेम के रंग है, अनुराग का रंग। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं जो कपड़ा का रंग ऐसे ये कपड़ा जो कपड़ा हम ऐसे रंग क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो रंग है ये प्रेम का रंग है। जैसे हमारे उधर कहते हैं आज ब्रज में होली दे रची है, ये जो गुलाल का रंग कैसे है, जो गुलाल मतलब क्या प्रेम है। जैसे राधा कृष्ण आपस में जो होली खेलते हैं होली का मतलब क्या है, ये होली का मतलब क्या, राधा रानी वो अपना रंग अनुराग रंग से कृष्ण को सराबर कर देते हैं, कृष्ण अपना अनुराग रंग से श्री राधा रानी को भी कर देती है। इसलिए राधा रानी का जो चुंदरी का रंग है गुलाल रंग है, क्योंकि जो गुलाल रंग है वो कृष्ण प्रेम का रंग गुलाल रंग। इसलिए राधा रानी मानो अपना शरीर को कृष्ण का प्रेम रूपी रंग में अपना को रंगी हुई है। इसलिए ये जो भजन में बताया श्रीत कमला कुचमंडल है द्रुत कुंडल है कलित ललित बनमाल जय जय देव है। इसलिए जगन्नाथ जी कान में जो कुंडल है, ये कुंडल किस चीज की कुंडल है, ये तो साधारण कुंडल नहीं, वो जिस कुंडल मतलब कृष्ण का कानों में राधा रानी की महिमा, राधा जी के नाम, राधा जी की गुणगान के सिवाय कृष्ण को कान में और किस चीज प्रवेश नहीं करता। राधा रानी का जो कुंडल है किस चीज की, बोले जिनकी कानों में कृष्ण की कथा के सिवाय, कृष्ण की बंसुरी के सिवाय, कृष्ण के नाम के सिवाय जिनको कान में और कोई चीज प्रवेश नहीं करती, नहीं करती। इसलिए जगन्नाथ जी गले में जो फूल की जो हार को धारण करते हैं उसको बताया बनमाला, कहते माला को किसने बनाती है, राधा रानी, राधा रानी अपना प्रेम से कृष्ण के लिए ये माला बनाती है। कभी सात रंग की और कभी पांच रंग, कहते सात रंग और पांच रंग किया है, कहते जो रस है वो बारह रस है, पांच गौण रस और पांच मुख्य रस और सात गौण रस है, मिल करके कितना होता है, सात पांच बारह रंग होता है। इसलिए कहते जो कृष्ण है कभी अखिल रसामृत भक्ति, कृष्ण कौन है कि सारे जो द्वादश जो रस की जो मूर्तिमान स्वरूप है श्री कृष्ण चंद्र है। इसलिए जो कृष्ण जो कभी सात रंग का और पांच रंग किया है, जो पांच रंग है जो पांच जो मुख्य रस है, शांत दास्य सख्य सख्य वात्सल्य और मधुर, ये जो पांच रस है, ये पांच रस मतलब है कृष्ण अपना जो पांच रस के जो भक्तों को अपना हृदय में जो भगवान धारण करते हैं, इसलिए वहां पर जो रंग है वो अलग अलग रंग है। वहां पर भी बताए कौन सा रंग कौन सा रस को लक्ष्य करना है, जो कौन सा रंग और कौन सा रस को लक्ष्य करता है। इसलिए बड़े वहां पर चमत्कार गोस्वामियों ने बड़ी अच्छी तरह से वर्णना किया है। इसलिए मानव भगवान ने समस्त भक्तों को अपना हृदय में भगवान धारण करके रखा है। इसलिए कृष्ण के शरीर में जितने श्रृंगार है वो सब के सब श्रृंगार श्री राधा रानी को लक्ष्य करती है, और राधा रानी जो श्रृंगार करती है वो सब के सब कृष्ण को लक्ष्य करती है।
इसलिए कलित ललित वनमाल जय जय देवा हरे। जब वो देवदासी ये भजन गा रही थी और बैगन तोड़ रही थी, और वो भजन में तो राधा जी की महिमा है, और जहाँ राधा रानी का नाम हो कहते ना राधे राधे लौटकर चलने आएंगे बिहारी, जहाँ राधा जी का नाम हो कृष्ण वहाँ पर भागते भागते वहाँ पर पहुँचते। अभी तो जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर पहुँच गए, कहाँ पर वो बगीचा में पहुंच गए, वो देवदास बैगन तोड़ रही थी, भजन गा रही थी, और जगन्नाथ जी उसको पीछे 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 चल रहे, चलते 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 जगन्नाथ जी का जो कपड़ा था ना पिता में उसका फट गया, बैगन पेट में कांटा होता है फट गई, और जगन्नाथ जी शरीर में भी कांटा का दाग था। जब भजन समाप्त हो गया जगन्नाथ जी चुपचाप आ गए सो गए। अभी सवेरे जो पुजारी मंदिर पर मंदिर खोले तो देखे जगन्नाथ जी के सारे कपड़ा फटे हुए और शरीर में सब कांटा की दाग। पुजारी राजा को बुलाए, राजा भक्त है पुरी के, बोले महाराज जी ये सब क्या है, लेकिन राजा भक्त है। तो जगन्नाथ जी चरण में लेट गए, बोले ये कैसे हो गया। तो जगन्नाथ जी स्वप्न दिए, बोले कोई चिंता मत करो, मेरी कोई एक दासी थी देवदासी राधा रानी की महिमा, और ये गीत गोविंद भजन गा रही थी, और जहाँ पर ये भजन हो मैं भागते भागते वहाँ पर पहुँचता हूँ, इसलिए कोई दुख की बात नहीं, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज बड़े दिनों से राधा रानी की महिमा और मेरी अपना भक्तों की महिमा हमने सुना, कोई दुख की बात नहीं। तो राजा ने उसी दिन से अनाउंसमेंट किया जगन्नाथ पुरी में, ये जो भजन है कहीं भी भजन को जहाँ तहाँ मत गया करे, वहाँ मना की गई, पहले वही पर ही ये भजन गाया जाए जहाँ जगन्नाथ जी हो और राधा कृष्ण दोनों हो, तो वही पर ही ये भजन को गाया जाए। इसलिए आप कभी टीवी में देखना जो उड़ीसा का जो संगीत होता है गीत गोविंद गुरुवर में, तो जगन्नाथ जी को रख कर उसको सामने ये सब भजन गाया जाती और उनको सामने में ये दिखाते। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ जी को ले आओ जाओ, इसलिए यहाँ पर श्री राधा रमण है, जगन्नाथ जी को लाते हैं भी है। निताई गौर अंदर मंदिर में विराजमान है, इसलिए कहते यहाँ पर श्री राधा रमण है जी। जो राधा रमण है ये राधा और राधा राधा और रमण मतलब के राधा और कृष्ण दोनों मिल करके ऐसे राधा रमण जी, इसलिए इन्हीं के अंदर में राधा रमण। अगर इनको सामने जो भजन गाया जाए, हाँ इनको सामने अगर ये भजन गाया जाए तो ठाकुर जी को कष्ट करना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना जाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ऑलरेडी यहीं पर हैं। ठीक है, बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जगन्नाथ जी आई है, ये भजन को दो लाइन हम लोग गा लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो भजन को सुना, ये भजन आप कहीं भी कोई भी आप गृह प्रतिष्ठा हो, कोई भी शुभ काम हो, गुरु ये भजन को सबसे पहले गवाया करते थे, क्योंकि अगर ये भजन को गा करके कोई भी काम करो ना, वो काम जरूर सक्सेसफुल होता है, उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं होगी। इसलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हारिए, किसी काम अगर भगवान के नाम को लेकर करो जरूर वो मंगलमय होता है, ठीक है। इसलिए अब लोग दो लाइन इसको पीछे पीछे गा रहे हैं, बोले जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जय देव हरे, जय जगन्नाथ हरे, प्रीत कमला कुश मंडल Yeah.
यहाँ पर बताए भगवान भक्तों की कितने अधीन बन जाते हैं, भगवान भक्ति के प्रेम में कितने वशीभूत हो जाती है, इस भजन में बताए। तो एक संत उदाहरण दे रहे थे, एक समय कुछ संत लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा हो रही थी जगत में सबसे बड़े कौन है, जगत में सबसे बड़े कौन है। जब पूछे एक व्यक्ति, एक साधु ने बताया, बड़ा जगत में सबसे बड़ा पानी है, जगत में सबसे बड़ा पानी। बोले पानी कैसे? बोले बता, पृथ्वी में तीन भाग पानी और एक भाग स्थल है, तीन भाग जल और एक भाग स्थल है। बोले आप बताए पृथ्वी में सबसे बड़े कौन? तो जगत में सबसे बड़ा पानी। तो एक संत ने बोले, अगर आप बोलोगे जगत में सबसे जगत में पानी बड़ा, मैं तो बोलूंगा जगत में सबसे बड़े हैं शेषनाग जी। बोले कैसे? कहते ना भगवान जो शेष नाग है, क्योंकि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अपना सर के ऊपर में एक सरिसों के भांति धारण कर रखे, अनंत देव के ऊपर में ये पृथ्वी टिका हुआ है, जिनके सर पर एक सरिसों जैसे ये पृथ्वी है। अब बताओ जगत में सबसे बड़े अनंत देव हो गए, क्योंकि जिनके सर पर पृथ्वी। बोले बात सही है। एक व्यक्ति ने, एक संत ने कहा, अगर बोलोगे अनंत देव जगत में सबसे बड़े, मैं बोलूंगा तो सबसे बड़े से भोले बाबा है, शंकर जी। बोले क्यों? बोले शंकर जी गला में देखना शेषनाग, शंकर जी गला में जो सांप है ना, वो कोई सांप दूसरे सांप नहीं, वो शंकर जी के गुरु है, शंकर सन शंकर जी के गुरु है। इसलिए शंकर जी संपूर्ण शरीर में है, उन्होंने अपना गुरु जी को श्रृंगार रूप में धारण करके रखा। इसलिए अनंत देव जो गले में धारण किया, बोले जो अनंत देव विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखे हैं, अगर उनको जो गले में धारण कर ले तो कितने बड़े बताते, तो जगत में बड़े कौन है? शंकर जी। इतने में बोले, अगर जगत में शंकर जी बड़े हैं, एक संत ने कहा मैं बोलूंगा उनसे बड़े रावण। बोले कैसे? आप सुने होंगे जब रावण ने ये त्रिभुवन को विजय करने के लिए निकला, तो देखा कैलाश के ऊपर में शंकर जी बैठे हुए हैं। हम देखे होंगे रामायण, शंकर जी समेत रावण एक हाथ से पूरा कैलाश पर्वत को उन्होंने उठा दिया। उसी समय जो रावण ने जो सीन तांडव है ना, जो सीन तांडव, तभी शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए रावण ने सीन तांडव बोला, और सीन तांडव बोले। इसलिए बोले जगत में बड़े रावण है, बोले बात भी सही है। एक संत ने कहा, बोले रावण जगत में बड़े नहीं, मैं बोलूंगा उनसे बड़े कहते बाली है, क्योंकि जब रावण ने त्रिभुवन को विजय करने के लिए निकला था, वो बाली तर्पण कर रहा था पानी में, और ये रावण जाकर के ना वो डिस्टर्ब कर रहा था, पानी को भुला बना रहा था, उल्टा पुलटा कर रहा था, बाली तो तर्पण कर रहा था। बोले ये पानी को भुला कर बना रहा, बोले रावण उसको पकड़े और बगल में 6 महीना तक दबा करके रखे, 6 महीना तक दबा करके रखे, वो भूल गए हमने रावण को बगल में दबा करके रखी। वो चिटिया जैसे काटना जब लग गया, तो चिट्ठी क्यों काटे ऐसे किया, तो रावण गिरा तो भागा वहां से, और मोड़ करके देखा नहीं है, मोड़ करके फिर देखा नहीं, जगत में बड़ा बना हो गया। बोले बाली जगत में बड़ा है। एक साधु ने कहा, जगत में बोलोगे बाली जगत में सबसे बड़े हैं, मैं बोलूंगा तो भगवान राम जगत में सबसे बड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े बाली, इतने बड़े बाली जो रावण को 6 महीना तक दबा कर रखा, उनको जैसे उसी समय कोई पराक्रम नहीं था, लेकिन इतना बड़ा बाली को एक बाण से जो मार दिया, किसने मार दिया? भगवान राम ने मारा है। तो जगत में बड़े कौन हो गए? जगत में बड़े हो गए राम हो गए। सब लोग एक वाक्य में स्वीकार कर दिया, जगत में भगवान राम के, राम से बड़ा जगत में कोई हो ही नहीं सकता, जगत का मालिक, जगत का प्रभु। तो बोले, लेकिन वहां पर एक रसिक संत बैठा था, बोले मैं बोलूंगा राम से भी कोई बड़े हैं।
भैया राम से बड़े कैसे हो सकता है, दुनिया का मालिक है भगवान, उनसे थोड़ी कोई बड़ा हो सकता है। बोले मैं बताऊंगा रामायण है, बोले क्या है, बोले कवि जयदेव का भजन थे, भजन में कह रहे हैं, कहते मुनि जन मानस हंस जय जय देव, ये भजन में ये कह रहे हैं। उदाहरण दिया जो संतों का जो हृदय है ना, ये एक मानस सरोवर, ये मानस सरोवर है, मानस सरोवर ये संतों का हृदय। और भगवान कैसे है, बोले कि हंस, एक हंस बन करके संतों की हृदय रूपी मानस सरोवर में जो एक हंस बन करके विहार कर रहे हैं। अब बताओ सरोवर कितना बड़ा होता है, मानस सरोवर बहुत बड़ा और हंस इतना छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, मतलब संतों का हृदय सा हो गया मानस सरोवर, और उसमें भगवान हो गए कि हंस है और हंस रूप में उनके हृदय में क्रीड़ा कर रहे हैं। आप बताओ जगत में सबसे बड़े कौन हुए, जगत में बड़े कौन हुए, भक्त बड़े हुए, भक्तों का हृदय बड़ा, इसलिए तो जगत में बड़े कौन हो गए, बोले भगवान हो गए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मत भक्त्या पूजा भ्याति सर्वभूतेषु मन्मति, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं मेरे से मेरे भक्त का पूजा बड़ा है। और कहते जो जब दुर्वासा ऋषि कहाँ पर गए, भगवान नारायण के पास में गए माफी मांगने के लिए, भगवान ने कहा भैया मेरे से माफी मांगने के लिए आए हो, बोले साधव हृदय बुझम साधु नाम, मेरे से अगर माफी मांगने के लिए आए ना, कहते भैया मेरे हार तो भक्तों के पास में, भक्तों का हृदय मेरे पास में है, भक्तों का हृदय मेरे पास में और भगवान का हृदय भक्तों के पास में, इसलिए ये भजन में ये कह रहे हैं। इसलिए भगवान का जो भक्त है ना, ये भगवान से जो बड़े भगवान की भक्त है, इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, हाँ कहते हैं ना भक्त वत्सल भगवान की, इसलिए कहते हैं बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची, इसको सूरदास जी गा रहे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो गए हैं, बोले दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर बैठा, दुर्योधन ठाकुर के लिए क्या क्या बना करके नहीं रखा था, भगवान को खिला पिला कर संतुष्ट कर दिया, लेकिन भगवान छापान भोग पर त्यागी और विदुर घर में जाकर के साग की ठाकुर ने कहा, भक्तों के प्रेम में ठाकुर जी इतने वशीभूत हो जाते हैं। बोले अर्जुन के प्रेम में वशीभूत होकर भगवान ने क्या किया, बोले उन्होंने अर्जुन का सारथी बन गया, कहां विश्वकर्मा का मालिक है और मालिक बनकर क्या कर रहे हैं, सारथी बन गए, किसके अर्जुन के सारथी बन गए, कृष्ण विश्व ब्रह्मांड कृष्ण का आदेश को पालन करता है, लेकिन आज भगवान अर्जुन का आदेश को पालन कर रहे हैं। अर्जुन कहते प्रभु मेरे को मेरे रथ को लेकर के दोनों सैन्य को बीच में खड़े कर दो, मैं देखना चाहता हूँ किसको किसको साथ मेरे को युद्ध करना पड़ेगा, अगर घोड़ा कभी चल जाए ना, ठाकुर जी मालिक से कहते हैं घोड़ा को खाना खिला, और इतने भगवान वशीभूत हो गए, कहते प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान सबरी के झूठे बैर को ठाकुर और बहु विध स्वाद बताए, बोले सबरी आज तुम्हारे झूठे बैर में जो स्वाद आ रहा है ना, मेरे वैकुंठ में मेरे महिषिया मेरे को कितने कितने क्या क्या भोग लगाती है, लेकिन उसमें इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद तुम्हारी झूठे बैर में जितना आनंद आ रहा है। और उन्हें लास्ट जो उदाहरण दिया है ना, उतना लास्ट उदाहरण देते हैं, बन गए हर नाई, हर नाई एक नाई था, नाई समझते हैं जो बाल काटने वाले, लेकिन है तो नाई, लेकिन बड़ा कृष्ण भक्त है, बड़ा कृष्ण भक्त है, लेकिन बड़े संत से भी है, कहीं अगर संत आ गए उनको सेवा में अपना जीवन को दे देता है, बड़ी संत से भी। एक समय क्या हुआ, इसका रोज काम था दुर्योधन की बाल काटना और उसको शरीर में तेल लगाना, उसको स्नान करना है, लेकिन जिस समय में वो दुर्योधन की सेवा करने जाएगा ठीक उसी समय में घर में कुछ साधु संत आ गए, जब उसको घर में कुछ साधु संत आ गए, कुछ बड़ी
असामंजस्य पड़ गया। तो अगर मैं संत सेवा करता हूँ फिर तो दुर्योधना का जो सेवा है खत्म हो जाएगी, वो तो दुष्ट हो सकता है, मेरे को दंड भी दे सकता है। लेकिन अगर दुर्योधन की सेवा कर लिए जाओ फिर इधर संत सेवा भी छूट जाएगी। अभी सोचा अभी मुझे क्या करनी चाहिए, बोले ये दुर्योधन का तो सेवा करता रहता हूँ लेकिन संतों का सेवा मिलना बड़ा कठिन। और भगवान खुद कहते हैं अगर मेरे को खुश करना चाहते हो मेरे संतों को खुश कर दो, अगर मेरे भक्तों खुश हो गए ना मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। उसने सोचा आज संत सेवा करता हूँ, संतों के लिए बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनवाए हैं, साधु के लिए बड़े सुंदर सुंदर भोजन बनवाए, ठाकुर को भोग लगा करके मैंने संतों की उन्होंने सेवा। लेकिन इधर क्या हुआ, देखो साधु सेवा की कितने महिमा है, अभी भगवान को चिंता लग गया क्योंकि संतों के हृदय में भगवान का निवास है। अभी भगवान की चिंता लग गई, मेरे क्या चिंता लग गई, अगर ये मेरे भक्त है फिर मेरे भक्तों की सेवा कर रहा है, अगर ये टाइम से दुर्योधन की सेवा के लिए नहीं पहुंचेगा तो दुर्योधन दुष्ट है, हो सकता है नरक से निकाल देगा, नहीं तो उसको कोई दंड दे सकता है। इतने में कृष्ण स्वयं को हरना का रूप धारण करके जा करके दुर्योधन शरीर में जो तेल लगाना शुरू कर दिया ना, कौन थे वो? कृष्ण स्वयं थे। जब उनका शरीर टच होने लग गया दुर्योधन का रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग गया, हृदय प्रेम में गदगद हो रहा है। दुर्योधन ने कहा आज तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या, तू शरीर में हाथ लगाते ही तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहा है, मेरे हृदय में इतने आनंद क्यों आ रहे हैं? कि तू कृष्ण है ना, वो भगवान स्वयं थे हैं, वो ठाकुर जी स्वयं थे। इतने में इतना खुश हो गया, आज मुझे जितने आनंद मिला है ना इतने आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। वो प्रसन्न होकर के उसी गले में एक एक है एक उसकी गले में कीमती हार है, तो वो हार को उन्होंने खुश होकर के हरनाई की गला में दे दिया, बोले आज बहुत मैंने खुश हो गया। लेकिन वो हरनाई था, हरनाई नहीं था, वो कौन था? कृष्ण, भगवान कृष्ण थे। लेकिन पहनाए तो उसको, लेकिन वो हार है ना अपने आप चले गया हरनाई की गले, लेकिन उसको बताए गलत माला आ गई। अभी उन्होंने साधु संतों की सेवा करने का बाद हैं उसको खिला पिला कर बड़े पैर से दुर्योधन के पास से निकालेगा, नहीं तो कोई दंड है। कितने में आकर के दुर्योधन से माफी मांगी, बोले आज मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ अतिथि आ गए, तुम की सेवा करते कर देर हो गई। जो बोले दुर्योधन ने बोले ऐसे क्यों कह रहे, आज तुम मेरी इतने सेवा की, इतने सेवा की, इतना आज मेरे को खुश हुआ जीवन में कभी खुश हुआ है? उन्होंने बोले नहीं आज तो मैं आ नहीं पाया, कुछ अतिथि आ गए, नहीं तुमने आया था मेरी सेवा की, बोले नहीं आ पाया। लेकिन उसको गले में हार है, लेकिन अभी पता नहीं गले में हार है। इतने में दुर्योधन ने कहा वो इतने कीमती हार तेरे को दे दिया ना, इसलिए आज तेरे अंदर में अभिमान आ गया है, अभिमान आ रहा है। इतने में उसने क्या किया, वो हार को पकड़ कर दुर्योधन ने खींच लिया। जब दुर्योधन ने खींच लिया वो हरनाई ने सोचा भैया ये हार कहाँ से आया, मेरे गले में तो कोई हार थी नहीं, ये हार आई कहाँ से? तो उसको याद आया वो आज घर में संत लोग आए थे, साधु लोग आए थे, आज मैंने साधु सेवा की है इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के आज मेरे रूप धारण करके आए, और ये दुर्योधन की सेवा है, दुर्योधन की सेवा ही है, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर उसको हार दिया। इसलिए दुर्योधन कहता है आज मेरे को जितने आनंद मिला है जीवन में, आनंद कभी मेरे को मिले नहीं। वो समझ गए भक्त है ना, आज ठाकुर जी मेरे रूप धारण कर रखे, तब से हरनाई ने तब से दुर्योधन का सेवा छोड़ दिया, बोले आज से और ये दुष्टों की सेवा करना नहीं, सेवा करना तो ठाकुर जी करेंगे और सेवा करेंगे तो संतों की सेवा करेंगे। इसलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं भक्ति का हसीब तो होकर के वर्ण गए हरनाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम से जितने संतुष्ट होते हैं भगवान किसी को द्वारा इतने संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल भगवान। इसलिए हमारे हिंदी में एक भजन है कहते कोई कहते हैं भगवान आते नहीं,
द्रौपदी जैसे तो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया यशोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तो नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन कैसे भक्त हम बने? कभी हमारे अंदर में कमी भगवान के अंदर में नहीं है, भगवान के अंदर में कमी नहीं है। इसलिए एक समय द्रौपदी भगवान कृष्ण से बोलते थे ना, तुम द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। कई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। फिर यहाँ पर सुन लो, ये भक्ति को मतलब संत गोस्वामी महाराज उदाहरण कहते हैं। एक समय द्रौपदी भगवान कृष्ण से पूछे, बोले प्रभु जब भरी सभा में मेरी लाज जा रही थी, आपको मेरे बड़े देर से बुला रही थी, अब आने में इतने देर क्यों कर दी? भगवान ने कहा द्रौपदी तुम सही सही बोला, दिल से पुकार रही थी, द्रौपदी तुम झूठ मत कहा करो, तुम झूठ मत कहा करो, सही सही बता। बोले प्रभु बताओ, जिस समय तेरे पास में जब श्री युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को दाव पर लगा दिया, तुम कभी हार गए, दुर्योधन ने कहा दुशासन द्रौपदी अभी राज रानी नहीं, हमारे नौकरानी है, और उसने मेरे को ये बताया था अंधा का बेटा अंधा होता है, आज उसका मैं भजा चखाऊ अंधा का बेटा अंधा होता है, पकड़ लिया भिषक दे दिया है। जब वहाँ पर द्रौपदी को पारा गई और उसको भिषक दे दिया, ला रही थी, तुमको बुला रही थी दुर्योधन, पहले तो आना नहीं चाह रही थी, और भिषक दे दिया ला रही थी, उसी समय में भगवान बोले द्रौपदी तुम उस समय मेरे को बुला रही थी, ठीक बात मेरे को बुला रही थी, लेकिन तुमने हृदय से नहीं बुला रही। बोले प्रभु कैसे हृदय से नहीं बुला रही? बोले तुम सही सही बताओ, तो उस समय क्या सोच रहे? मेरे पांच पांच पति सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन गदाधारी भीम भाला जी युधिष्ठिर और नकुल सहदेव तलवार के बराबर जुटो कोई नहीं थे। अर्जुन जैसे पराक्रम कोई थे? माँ बाप देखे माँ बाप, अकेले अर्जुन विराट राज्य में जब पूरा के पूरा सारे को सारे कुरु सैनिक आए थे, अकेले अर्जुन सबको परास्त किया, देखा कि नहीं? अकेले अर्जुन सबको परास्त कर दिया था, इतना पराक्रम था अर्जुन, इतने शक्ति उसके अंदर में था, और भीमसेन का बराबर जगत में गदा युद्ध नहीं थे, इतने एक से एक बढ़ करके। तुम क्या सोच रही थी बताओ, सही सही क्या बोल सोच रही थी? बोले मेरे पांच पांच पति रहते हैं, ये हीरा मेरा क्या करेगा? सोच रही थी ना, अब मेरे को बुला रही थी कृष्णा आ जाओ। द्रौपदी जब तुम्हारी पांच पांच पति तुमको रक्षा करने वाले में बीच में क्यों आता? इसलिए मैं आधा रास्ता में आकर वापस गया, आधा रास्ता वापस गया। बोले क्योंकि इतने सारे लोग रक्षा करने वाले में बीच में क्यों? बोले द्रौपदी और थोड़ा पास में भी आया बचाने के लिए, फिर गया। बोले क्यों? बोले जब तुमको घिसड़ते हुए लाए, तब ये पांडवों ने रखा नहीं कि तुम सोच रहे थे यहाँ पर भीष्म जी बैठे हुए, पितामह यहाँ पर बैठे हुए, धृतराष्ट्र ये पिताजी ससुर है, ये तो कुछ बोलेंगे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य कुलोपुर बैठे हुए, ये तो कुछ बोलेंगे, मैं कुलोबधु मेरे को थोड़ी विवस्त्र बनने के लिए थोड़ी देंगे, है मेरे को थोड़ी विवस्त्र करने दें, कुछ ना कुछ बोले। सोच रही थी कि नहीं? हाँ प्रभु मैं सोच रही थी। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले भीष्म ने किया, द्रौपदी मास में वापस गया। बोले द्रौपदी एकदम नजदीक में आया था तेरे को बचाने के लिए, वहां से भी वापस गया। बोले क्यों? बोले जब तुमने देखा ये कोई भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, उसी समय में तुमने अपना साड़ी को पकड़ लिया। कहते मैं थोड़ी साधारण घर की बेटी, अजोरी स्वभाव यज्ञ से प्रकट हुई, यज्ञ से प्रकट हुई है, मैं साधारण घर की बेटी थोड़ी है, इसलिए मैं द्रुपद राजा की मैं बेटी हूँ, अजोरी स्वभाव यज्ञ से प्रकट हुई, मैं खुद वो खुद मैं बचा सकती हूँ। अपना कपड़े को पकड़ कर रखी थी, दांत को नीचे दबा कर रखी थी, कपड़े को तुम रखी थी कि नहीं? द्रौपदी जब तुमको रक्षा कर सकते हो, लेकिन जब तुमने देखा ये पांच पांच पति भी नहीं रक्षा कर रहे, यहाँ पर कोई गुरुवर्ग भी कुछ बोलते नहीं,
आप खुद को भी तुम रक्षा नहीं कर पा रहे हो। जब देखा सुशासन 10,000 हाथी की ताकत उसको सामने क्या करेगी, इतने जोर से साड़ी को पकड़ खेच रहा था। लास्ट में उसने देखा कोई भी मेरे को रक्षा करने वाले नहीं। लास्ट में दोनों हाथ उठा लिया, बोले हे गोविंद राधे शरण एक्त जीवन हरी, हे कृष्णा हे कन्हैया हे मधुसूदन, तेरे सिवाय और जगत में मेरे को कोई भी बचाने वाले नहीं। जब तुमने पूरा दोनों हाथ को इसे उठा लिया, दोनों हाथ को उठाना मतलब क्या है, ठाकुर जी तेरे सिवाय जगत में और मेरा कोई है नहीं है। इसलिए दोनों हाथ को जब तुमने उठा लिया, उसी समय मैंने स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट किया, ऐसे शरीर में लपट गया ना, 10,000 हाथी की ताकत तक खत्म हो गई है। 10,000 हाथी गजब बल घटो घटो ना 10 गज साड़ी है। इसलिए क्या कर बैरी प्रबल जहाँ रखा हुई भगवान, इसलिए भगवान कर ना जाके रखे साइया, मार सके ना कोई बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हो। इसलिए कहते उसी समय में रखा की, इसलिए कहते कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन द्रौपदी जैसे तो लेकिन हम लोग तो भगवान बुलाते हैं, लेकिन कैसे बोले हाँ भगवान आएंगे नहीं आएंगे, नहीं तो हमारे डांस वाले से ही डांस वाले से है ही, वो तो रखा करेगा, नहीं तो हमारा बेटा भी है ना, हमारी बेटी भी है ना, अपना बहू है ना, ये तो बहुत सारे लोग रखा, हाँ भगवान बुला रहे हैं, आए आए नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे ये सब चीज रखा करने वाले। हाँ ऐसी अवस्था में ना ठाकुर जी नहीं आते, इसलिए कहते हैं कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं, बुलाना पड़ेगा द्रौपदी जैसे, तब तो भगवान फिर हमारी रक्षा करने के लिए ठाकुर जी आएंगे। ठीक है, बड़े श्री भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जो भजन में ना इस बात को भजन में सब बता रहे हरे कृष्णा। हाँ इसलिए एक मिनट कीर्तन कर लो, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare
आनंदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग धनवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज गौर गोविंद महाराज भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोसाई महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को हम जत्था जो प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हम लोग गत कल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी तो कह रहे हैं बोले देखो रूप कि जो मानव शरीर है ये बड़े भाग्य से ये मानव शरीर जीव को प्राप्त होता है। कहते ये साधारण भाग्य से ये मानव शरीर हमें नहीं मिलती है। इसलिए कहते 84 लाख जन्मों के बाद में 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है। इसलिए गत कल हम लोग प्रजोत्पात्मक को छोड़ दिया जल रहा है। इसलिए कहते जो मानव शरीर है कहते देत इस बिनु हेतु सने भगवान राम स्वयं कहते हैं अयोध्या वासियों को कहते देत इस बिनो हेतु सनेही। अगर कोई बोले नहीं हमने बहुत अच्छा कर्म किया है ना इसलिए मानव शरीर में भगवान राम कहते तुम्हारी कोई कर्म से ये जन्म नहीं मिला भगवान कैसे कृपा करके तुमको ये जीवन दे दिया। जो शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है कहते सुर दुर्लभ जिस जन्म के लिए देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। अब विशेष करके हैं कहते भारत भूमि में तो जन्म लेना बहुत कठिन है। इसलिए कहते ना भारत भूमि तो मनुष्य जन्म है लजार जीवन सार्थक करी करो परोपकार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भैया जिसको भारत भूमि मानव शरीर मिला है क्या करो भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन को सफल बनाओ फिर दूसरों का जीवन भी सफल बनाओ हैं सफल बनाओ। इसलिए ये जीवन बड़े भाग्य से जीवन मिला। फिर महाप्रभु क्या कहते हैं लेकिन जीवन तो हमें मिला है कल सुन रहे थे ना ऐसे कुछ इंसान जो जंगली जानवर अभी भी नंगे रहते हैं काली बर्नी में और कई कई देश है जहाँ पर देखो लोग अभी नंगे रहते हैं जिनको कोई संस्कार संस्कार खुशी भी नहीं। बड़े भाग्यवान जीव आते हैं ये सभ्यता में जो सभ्यता में आते हैं कुछ ऐसे कुछ लोग है जो कि शास्त्र फास्त्र से जिनका कोई मतलब नहीं उनका जीवन भी जानवर जैसे जीवन है लेकिन उसके अंदर में कुछ लोग आते हैं संस्कारी जो वेद गीता भागवत रामायण को मानने वाले हैं बड़े संस्कारी व्यक्ति है लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे लोग है मानते है लेकिन अपना जीवन में कोई चीज को उतारते मानते हैं लेकिन अपना जीवन में किसी चीज को उतारने वाले नहीं। लेकिन जो उतारने वाले है उसके अंदर में कुछ लोग है जो कर्मों को बड़े विश्वास करते हैं भाई कर्म करो कर्म करो कर्म करो लेकिन ये कर्म है क्या चीज कर्म कहते हैं किसको ये चीज बताई है जो लोग कर्म तो करते हैं बल्कि इसलिए करते हैं बोले बढ़िया कर्म करेंगे कर्म करके स्वर्ग जाएंगे और खूब रंभा रूप से मैंने का साथ भोग करेंगे बस खत्म कहते ना स्वर्ग मिलेगा इससे ऊपर और कुछ नहीं जानते इसके ऊपर और कुछ नहीं जानते ऐसे कुछ कर्मी लोग हैं और कुछ ऐसे उससे जो अच्छे हैं जो अपना भोग के लिए करते हैं कल कर्म
लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो कर्म करते हैं लेकिन कर्म को भगवान को अर्पण करते हैं। ठाकुर जी हमने जो कुछ किया है तेरे चरण में हम अर्पण कर रहे हैं, उससे ये श्रेष्ठ है। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले उनसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो लोग इससे और थोड़ा ऊपर उठना चाहते हैं कहते भैया जब तक ये संसार में जन्म ग्रहण करेंगे तब तक दुख कष्ट जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इसलिए क्या करो जो ब्रह्म ज्योति है हैं? वो ज्योति में अपना ज्योति को अपना आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, न रहेगा बांस और न गुरुजी की बांसुरी। इसलिए जब तक संसार में रहेंगे जन्म कष्ट भोग करेंगे, इसलिए जिनको त्रिपुटी विनाश कहते हैं भक्ति भक्त भगवान ज्ञान ज्ञान सबको एक साथ में मिला करके ये सत्ता को पूरा ब्रह्म ज्योति में लेने का उनसे श्रेष्ठ ही है। हाँ कहते इनका जो स्थान है कहते विराजा का ऊपर में ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान लोक है ब्रह्म लोक जो उनका स्थान है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ऐसे जो ज्ञानियों में करोड़ों करोड़ों ऐसे ज्ञानियों में कहते मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोपी महामनि। कृष्ण गीता में कहते हैं ऐसे जो मुक्त महापुरुष है जो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर रखना चाहते ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में एक विरल है जो श्री नारायण भक्ति करते हैं। भगवान की नारायण को स्वरूप में लक्ष्मी नारायण को स्वरूप को भक्ति करने वाले ऐसे व्यक्ति बड़े ही दुर्लभ है। लेकिन ऐसे लक्ष्मी नारायण की भक्ति करने वालों कर जो सीताराम की जो भक्ति है उनसे भी श्रेष्ठ, ये सीताराम की भक्ति उनसे भी श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्र में आया है एक समय शंकर जी पार्वती को प्रश्न करती है, बोले प्रभु हम किसकी भक्ति करें? माँ पार्वती शंकर जी को प्रश्न करते हैं, शंकर जी कहते पार्वती बोले आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनांग परम तस्मात परतरम देवी तदिया नाम समर्थन। शंकर जी कहते पार्वती जितने आराधना में भगवान जो विष्णु की जो आराधना है सर्वश्रेष्ठ आराधना है, इसलिए अब सुनो होंगे विष्णु सहस्र नाम भगवान विष्णु का 1000 नाम 1000 नाम इसको माता पार्वती रोज 1000 नाम लेती है। एक दिन फिर शंकर जी पार्वती को भोजन मांगे, बोले पार्वती भोजन दिया पार्वती को, पहले प्रभु बोले पहले भजन उसके बाद भोजन, पहले तो भजन नहीं हुआ भोजन की बात कर रहे। आपने बताया विष्णु सहस्र नाम करने के लिए समय तो लगेगा, थोड़ी सी रुक जाओ। शंकर जी बोले पार्वती इधर आओ और तुमको एक सरल नाम बता था हाँ जो परिश्रम कम और ज्यादा फल मिलेगा। शंकर स्वयं कहते बोले राम रामेती रामेती रम रमे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम श्री राम नाम बरम। बोले हे सुंदर पार्वती ये जो विष्णु सहस्र जो नाम है 1000 विष्णु नाम लेने में जो फल मिलता है पार्वती, अगर एक बार कोई श्री राम का नाम एक बार ले ले एक राम नाम के बराबर 1000 विष्णु सहस्र नाम। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। शंकर जी पार्वती को इतने प्रेम क्यों करते हैं? कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जब शंकर जी बोले 1000 विष्णु नाम से जो फल मिलेगा उसी फल एक राम नाम से मिलेगा जपी जई प्रिय संग भवानी। इसलिए माता पार्वती का 8 हाथ देखना 1 हाथ में माला है। माता भी माला जब करती है, माता भी माला जब करती है, इसलिए शंकर जी पार्वती को इसलिए बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करती हैं, प्रभु की भजन नाम करती हैं। और शंकर जी जब कथा सुनाते हैं पार्वती बैठ करके बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं, इसलिए भागवत को अमर कथा बताया ना, क्योंकि शंकर जी पार्वती को यही अमर कथा उन्होंने अमर नाथ में सुनाई थी, इसलिए इसका एक नाम अमर कथा है। तब उन्होंने प्रभु राम के नाम जप करती थी, जब करती थी फिर कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले भजन ले, बोले अभी भजन खत्म नहीं हुआ, आप बड़े जल्दीबाजी करते हो भोजन के, भजन नहीं हुआ भोजन की बात करते।
तो शंकर जी बोले पार्वती और एक सर्वनाम बता रहा हूँ, जो परिश्रम कम होगा ज्यादा फल मिलेगा। और क्या नाम है, श्लोक है, बोले सहस्रा नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा वित्वा तु जत फलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैक तत् प्रचत। बोले पार्वती विष्णु सहस्र नाम को अगर तुम तीन बार करोगे जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम से फल मिलेगा। इसलिए कृष्ण जो है ना सोलो कला में परिपूर्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं जो भगवान ही है कृष्ण। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सभवामि। इसलिए भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन देखने को, ये विश्व ब्रह्मांड में मेरे अंदर में, मेरे को छोड़ कर के जगत में कुछ भी नहीं है। जितने इंद्र चंद्र वायु वरुण यहाँ तक भी कृष्ण वत्स कुर्म वराह नृसिंह परशुराम राम बलराम भूत सारे अवतार को भी भगवान कृष्ण दिखाते हैं। बोला अर्जुन मेरे को छोड़ कर के जगत में कोई कर सकते नहीं। इसलिए कृष्ण स्वयं भगवान पूर्ण भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि गोविंद सर्व कारण कारण कृष्ण है। बोले प्रभु कहता हम कृष्ण नाम करने चाहिए। हाँ पार्वती कृष्ण नाम से श्रेष्ठ नाम जगत में कुछ भी नहीं। माता पार्वती कृष्ण नाम करती थी। कुछ दिन बाद में फिर शंकर जी बोले पार्वती आज तुमको एक रहस्य बात बताऊंगा जो बात में किसी को नहीं बताया, चूंकि मैं तेरी पत्नी हो इसलिए मैं पत्नी को सामने पति अपना हृदय की बात खोल कर बोल देती हूँ, सब बात बोल देती है। हम लोग को बोलते ही नहीं पत्नी दिल की बात, सारी बात हृदय की बोल देती है। इसलिए बोले आज तेरे को रहस्य बात बताऊंगा, कहते कृष्ण नाम से भी एक नाम श्रेष्ठ है। बोले आप ही तो खुद बोल रहे थे कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, उनसे बड़े जगत में कोई नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण आप तो बोल रहे थे। बोले मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये स्वयं बाकी बिहारी बोल रहे हैं। वो उन्होंने बोले चंद्रमा को बोले हैं, उन्होंने चंद्रमा को ये बात बोली। श्लोक है कृष्ण स्वयं कहते बोले मम नाम सत्यनापि राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। कृष्ण कहते चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार कर ले और एक बार श्री राधा रानी का नाम ले लेना, एक राधा रानी का नाम के बराबर 100 नाम। इसलिए आप वृंदावन में जाओ इसलिए देना कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं राधे राधे, सब राधे राधे नाम कहते राधे राधे रक्त चले आएंगे। राधा जी का नाम लेते कृष्ण अपने आप आ जाते हैं, अपने आप कृष्ण आ जाते। इसलिए ये ब्रजवासी लोग बड़े चालाक हैं, इसलिए जानते हैं एक राधा जी का नाम लेते कृष्ण का सब नाम हो जाएगा। इसलिए क्यों कृष्ण कृष्ण बोले, या किसका नाम लो, सबके सब श्री राधा, सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए पार्वती बोली प्रभु फिर क्या कर आज तक और कोई नाम ले लू, कह लो राधे राधे दिन भर राधे राधे। शंकर जी बोले इसमें भी एक रहस्य, बोले और क्या रहस्य है, हम तो बोल दिए ना कृष्ण का 100 नाम और राधा जी का एक नाम, तब तो राधे राधे बोलनी चाहिए, फिर रहस्य क्या। बोले रहस्य ये है कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अगर तू राधा जी का नाम लो ना राधा रानी नहीं आएगी भाई, वहां तो बिहारी भी आते, कृष्ण खुश होते राधा जी का नाम है। और अगर कोई राधा जी का नाम लेते ना कृष्ण खुश होते, राधा कृष्ण नाम से राधा खुश होती है, राधा नाम से कृष्ण खुश होती है। पार्वती बोली प्रभु आप तो बड़ी गड़बड़ी में डाल दिए, बताओ कृष्ण कृष्ण बोले ना राधा राधा, अब किसका नाम बोले। कहते देखो ये दोनों का नाम, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं राधा नाम गुणे भाई श्री कृष्ण चरण पाई कृष्ण नाम राधा राय। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये राधा जी का नाम से कृष्ण खुश, कृष्ण नाम से राधा रानी खुश, इसलिए जुगल नाम लेना, दोनों नाम लेना चाहिए। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये दोनों जुगल नाम, हरे मतलब है कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है, इसलिए वो हरा है। हरा शब्द हरे शब्द से हरा,
और संबोधन में ये हरे संबोधन में हो जाता है हरे। संस्कृत पढ़े तो आपको पता होगा जैसे लता शब्द है, रमा शब्द संस्कृत पढ़े कि नहीं पढ़ते ही नहीं था जो भारत में थोड़ी बहुत पढ़े हो, इसलिए लता लते लता लताम लते लता लता भ्याम लता है ना, वो आकारांत स्त्रीलिंग वो संबोधन में हो जाता है हे लते, हे लते संबोधन होता है। जैसे रमा शब्द हे रमे है, ये रमे ये संबोधन में होती है। इसलिए जो हरे मतलब है हे राधिके, जो कृष्ण की मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है श्री राधे। कृष्ण मतलब कृष्ण है, ये हरे कृष्ण मतलब राधे और ये कृष्ण है। फिर उसमें हरे राम आता है, हरे तो हो गया राधा रानी, हरे राम फिर कैसा है? राम तो सीता को साथ में रहते हैं, राधा जी को साथ में थोड़ी। कहते यहाँ पर जो राम शब्द है जी गोस्वामी कहते हैं राधा रमय अतिथि रामा, रामा मतलब जो राधा जी को साथ में रमण करते हैं, रमण मतलब होता है विहार, जैसे राधा रमण है ना, राधा रमण, राधा रमण जो मुझे राधा जी को साथ में रमण करे, इसलिए राधा रमण। इसलिए जो हरे शब्द है जैसे राधा रानी के लिए, जो राम शब्द ये कृष्ण के लिए, जो महामंत्र है ये जुगल नाम श्री महामंत्र। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुक्ता नाम सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुनि। ये कृष्ण गीता का श्लोक है। बोले करोड़ करोड़ में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो ये भगवान की भक्ति में आते हैं, ठाकुर जी की प्रेम में आते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है जो सीताराम की पूजा करते हैं, उनसे श्रेष्ठ है जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे भी एक श्रेष्ठ है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्ति करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि महाप्रभु का अनुगत्य में ही राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होता है महाप्रभु कृपा से ही। तो यहाँ पर बताते हैं अभी प्रश्न है, अभी वो चीज हमें मिलेगा कैसे, वो चीज हमें मिलेगा कैसे, राधा कृष्ण की प्रेम महाप्रभु का भक्ति हमें कैसे मिलेगी। तभी महाप्रभु ये कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। तो यहाँ भगवान कहते हैं ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कभी पशुपति जीवन में हम गए, कभी स्वर्ग में देवता भी बने, कभी नरक में भी गए हैं, कभी कीट कभी मकोड़े कभी पशु पक्षी ऐसे अनादि काल से अनादि ये 84 लक्ष्य में हम भटक रहे, भटकते भटकते लेकिन हमें जान और अनजान में हमें कहीं ना कहीं भक्ति उन्मुख सुकृति हो रही है। क्या हो रही है अब बताओ, क्या हो रही है भक्ति उन्मुखी सुकृति। हम कल सुन रहे थे ना कि जो पाप वो भी नष्ट हो जाता है कर्म फल भोग करके, जो पुण्य वो भी कर्म फल भोग करके नष्ट हो जाती है, लेकिन जो एक तीसरी चीज ऐसी भी चीज जो कभी नष्ट नहीं होता वो केवल तुम्हारे नाम पर केवल डिपॉजिट। इसलिए मीरा कहती है ना दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो भगवान की जो नाम है इसकी जो कथा है उन्हें जो कीर्तन है तुलस में पानी देना एकादश व्रत रखना ये सब आत्मा संबंधी वस्तु है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये केवल आपका फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, ये केवल तुम्हारी फिक्स डिपॉजिट है। बोले इसका फल क्या है, बोले इसका फल है ब्रह्मांड भ्रमित ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन भाग्यवान जीव, किसी सौभाग्यवान जीव को जीवन में क्या होता है गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा। किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को किसका साक्षात्कार, संत दर्शन होता है जीवन में उनको, संत वैष्णव दर्शन, इसका पहले वैष्णव दर्शन। इसलिए भागवत में बताए भव अपवर्ग भ्रमेत जगा जनस्य तैर अच्युत सत्मानव, कहते भक्तों का संग कब होता है, बोले भक्तों का संग तभी होगा जब हमारी जन्म जन्मांतर का सारे पाप में खत्म हो गए। अभी इस संसार में आपका आना नहीं, आपका समय हो गया भगवान को पास में जाने का, तुम्हारी समय हो गई, सारे जीवन का दुख कष्ट समाप्त हो गई तुम्हारी, और ये संसार चक्र में आना नहीं पड़ेगा। अब रामायण सुनो, रामायण जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाह रहा था
लेकिन वहां पर लंके नहीं खड़ी थी। लेकिन हनुमान सोच रहा था स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा करके क्या लाभ है, स्त्रियों से लड़ाई अपना काम बनाना बुद्धिमान का काम ही है ना, अपना काम बनाना बुद्धिमान का काम है। इसलिए हनुमान जी सोच रहे थे अपना हजर में किसी तरह से जाओ और माता सीता को पता लगा लो। लेकिन वो सूक्ष्म रूप धारण करते हुए रामायण देखे होंगे, वो सूक्ष्म रूप धारण करते हुए जाना चाह रहा था। इतने में लंकनी की नजर बोले कौन हो, हाथ में धूल झोंक करके अंदर में प्रवेश करना चाहे, बताओ तू कौन हो। हनुमान जी सोच रहे थे सोच रहा था लड़ाई स्त्रियों से लड़ाई करे क्या लावे, ये तो जाने नहीं दे रहे हैं। इतने में हनुमान जी अपना दिखाया पराक्रम, विशाल रूप धारण मारा एक मुक्का मार के छक्का छूट गई, मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। लेकिन हनुमान जी है ना संत है, भगवान के भक्त है। देखो संतों की एक मुक्का भी खाओगे ना, संतों की अगर थप्पड़ भी मार दिया तुम्हारे भी कल्याण हो जाए। संतों की अगर सांस है, संतों की अगर झपटा खाओ तो तुम्हारी कल्याण है। लेकिन हनुमान जी मारे है, लेकिन मुक्का खा कर उसको बुद्धि सुधर गई। वो साधु संत की महिमा कह रही है, भले सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंक। उदाहरण देती है, एक तराजू ले लो, एक तराजू ले करके कहते तो स्वर्ग का जो आनंद है, स्वर्ग मोह जन तप सत्य सत्य लोग से लेकर ब्रह्म लोग तक जो आनंद है, कहते तराजू का एक तरफ में धर दो जो आनंद है। लेकिन इस साधु संघ की जो महिमा है, एक लव कितने समय है, एक लव कितने समय है, कहते एक सेकंड हो गया, उसको 11 भाग करो, एक सेकंड को 11 भाग करो, उसका जो एकमा भाग को एक लव कहते हैं। कहते इतना समय में साधु संघ में जो आनंद है, इतना समय साधु संगत में जो प्राप्ति है, ये स्वर्ग से लेकर मोह जाना संभव और ब्रह्मलोक तक जो आनंद है, अगर तराजू का एक तरफ में कर सकोगे ना, ये साधु संघ की एक लव के सामने बराबर नहीं कर सकते। कितनी महिमा साधु संघ की, कौन कह रही लंकी की ये बात कह रही, लंकी समझ गई लंका ध्वंस होने वाले, ब्रह्मा जी बताए थे। जब कोई बंदर आकर मुक्का मारेगा और तू बेहोश हो जाएगा कि पता ना चलना, ये लंका सफाई खत्म होने वाला। अंदर में हनुमान गए, ये हनुमान की गए अंदर में विभीषण से मुलाकात हुई। जब विभीषण से मुलाकात हुई तब उन्होंने देखा तुलसी बगीचा है, बोले भैया तुलसी बगीचा अपने संत दरबार में होता है, ये रावण के घर में तुलसी कहाँ से, जरूर कोई साधु रह रहे हैं, इसका मतलब अपना हर घर में तुलसी लगानी चाहिए। तुलसी है तो भक्तों का धर्म, नहीं तो अभक्त का धर्म। फिर उन्होंने क्या देखा, फिर देखा घर के सामने लिखा हुआ श्री राम, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बोले भैया ये तो लगता है कोई राम का भक्त है। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, ये लंका में रह रहा है विभीषण, लेकिन ये श्री राम का नाम कैसे लिख दिया, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी है। कहते भक्तों को कैसे अपना भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये विभीषण से शिक्षा करनी चाहिए। किसी ने जाकर के कभी रावण से चुगली कर दी, बोले रावण तो राम का अपना शत्रु मानते हो, लेकिन राम के सबसे प्यारे भक्त तेरे घर में ही है। बोले कौन, बोले तेरे सगे भाई, बोले प्रमाण, बोले जाकर देख ले घर के सामने क्या लिखा हुआ। रावण भक्त का देखा सचमुच से लिखा हुआ श्री राम, बोले विभीषण, बोले भैया क्या बात है, बोले मेरे शत्रु का नाम कैसे लिख दिया, बोले कहाँ पर, बोले श्री राम भवन, बोले शत्रु कहाँ, मैं तो अपना भाभी भैया को प्रेम करता हूँ, बोले कैसे, बोले आपका नाम क्या है, बोले रावण, बोले रावण का पहला अक्षर क्या, बोले राम, बोले भाभी का नाम, बोले मंदोदरी, पहला आखिर किया, बोले माँ सिंह राम रावण मंदोदरी भवन तावन सुस, राम मंदोदरी सो गया, बोले वाह इतने मेरे को प्रेम करते हमारे नाम पर। यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं भैया भक्ति हमें ऐसे निकालनी चाहिए। देखना कि दुनिया बड़ा विचित्र है, अब सारे गंदे काम करो, शराब पियो, सिगरेट पियो, जितने गंदे काम करो, जुआ खेलो, देखना दुनिया आपको कुछ बोलने वाले नहीं। लेकिन जब थोड़ी सी गले में कंठी तिलक करो का भजन करना शुरू कर दे, गांव के कुत्ता भी तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगा, सब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, सब पीछे तुम्हारे लग जाएंगे। ये क्या गले में कंठी ये तिलक किया, मांस नहीं खाओ, मछली शराब भी नहीं पियो, करो क्या जीवन में, जीवन में कर्म किया,
मतलब ये दुनिया बड़ा विचित्र है, लेकिन विभीषण शिक्षा देते भैया अपना अपना काम निकाल लेना बुद्धिमान का काम है। जैसे विभीषण ने अपना काम निकाल लिया, काम अपना हनुमान जी अंदर में, हनुमान जी देखा शंकर चक्र गदा पद में चिन्ह लगा हुआ, फिर उनने सोचा भैया ये स्तर है नहीं, कोई मेरे को भ्रमित तो नहीं कर रही, क्योंकि लंका पुरी में मायापुरी मेरे को तुलसी श्री राम का नाम शंकर चक्र गदा पद्म चिन्ह है, कभी मेरे को तो भ्रमित नहीं कर रहे। इतने में हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अंदर में गए, जब गए ना देखा विभीषण की रोम रोम से श्री राम विभीषण रोम रोम से राम नाम निकल रहा था। तो भैया ये जरूर राम का कोई प्यारे भक्त है, क्योंकि कपटी हृदय व्यक्ति का हृदय से कभी भी भगवान का नाम कभी नहीं निकल सकता। फिर हनुमान बाहर आए, दरवाजा खटखटाए, विभीषण निकाले निकले, फिर दोनों से मित्रता हुई। इतने में जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, कल राम के सबसे प्यारे भक्त है, तब हनुमान जी विभीषण क्या कहते हैं, आज मोये भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं सकता, जो रघुवीर मई अनुग्रह के लिए तो मई दरस। आज लगता है प्रभु राम की कोई कृपा हुई है, जिस वजह से हनुमान का दर्शन मिले, हनुमान दर्शन मिले मतलब जल्दी जल्दी भगवान मिलने वाले। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को साधु दर्शन होता है। हर जीवन में जब साधु दर्शन हो जाए ना, क्या समझनी चाहिए, हमारी बड़ा पार है, हमारी बड़ा पार है, क्यों साधु दर्शन हो गया ना। इसलिए भगवान खुद कहते हैं बोले सिद्धि भक्ति व नेति संशय अच्युत से बिना, बोले जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान कोई ज्ञान नहीं देते तो मेरे को पावन, भगवान ज्ञान नहीं देते, क्योंकि ठाकुर का जैसे तैसे तुम पूजा करोगे, जैसे चाहते हो वैसे करो हैं, भगवान बोलते हैं ब्याज दर्शन मत खाया करो, कोई बोले भगवान कभी बोले शराब मत पिया करो, भगवान कभी बोले मांस मछली मत खाया करो, भगवान कभी बोले मेरे नाम जप करो, भगवान कभी बोलते ऐसे मेरे को भोग लगाना, भगवान कभी बोलते मेरी एकादशी करो, भगवान बात करते नहीं, भगवान फिर बात किया उसे नहीं किया ना, ये बात को कौन बोलते हैं, संत होने से, ये बात को भक्त लोग कहते हैं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मेरे जो पूजा करते हैं डायरेक्ट है ना, मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, तो मेरे को पाओगे, लेकिन निसंशय अत्र तद भक्त परिचर्या रतात्मना, लेकिन मेरे भक्तों की जो सेवा करते हैं, मेरे भक्तों की जो संग करते हैं, भगवान के तो मैं ज्ञान भी दे सकता हूँ, वो मेरे को पाएगा ही। इसलिए जब भगवान ध्रुव जी को दर्शन दिए, दर्शन हो गया ध्रुव जी को, भगवान बोले बर मांगो, ध्रुव जी क्या कहते हैं, बोले भक्ति मोह प्रभु धाम तोई में प्रसंग भुआ दनंत महताम अमलाशय। ध्रुव जी कहे बोले प्रभु आपकी भक्तों का संग, भगवान बोले भैया मैं दर्शन, मेरा दर्शन हो गया, भक्त संग क्यों चाहते, बोले आप क्या आपकी कथा सुना, आज जो आप मिले हैं ना वो नारद जी कृपा से मिले हैं, नारद जी मेरे को मंत्र दिए, और नारद जी बोले ये मंत्र को जप करो, यमुना में स्नान करो, यहाँ पर भजन करो, भगवान का रूप है, इसे सारे दीक्षा मंत्र तो नारद जी कृपा से मिले, आज भगवान मिले, फिर आप थोड़ी आप कथा सुनाओगे, नहीं सुनाओगे, आपका भक्त लोग सुनाएंगे। अगर आपकी भक्तों का संग करेंगे तो उनकी मुंह से आपकी कथा भी मंदाकिनी की जो नदी रहती है, अगर उसमें कोई गोता लगाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो आपकी स्मरण हर समय होता रहेगा, आपकी भजन हर समय होती रहेगी। इसलिए हमें आपकी संग नहीं चाहिए, आपकी भक्तों की संग चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, कहते गुरु और कृष्ण कृपा से भक्ति रूपी भक्ति को लता बताया, लेकिन लता रूपी बीज जब तक नहीं होगा लता नहीं होगी, भक्ति को लता, लेकिन लता तभी होगा जब बीज मिले, बोले बीज कहाँ से मिलेगा, बोले गुरु जी की कृपा से ये बीज मिलेगा, साधु कृपा से बीज मिलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं भैया साधु कृपा से क्यों बीज मिलेगा, शास्त्र में तो लिखा हुआ मंत्र पढ़ लो ना, शास्त्र हरे कृष्ण महामंत्र तो शास्त्र में लिखा हुआ मंत्र तो सारे शास्त्र, उसको क्यों नहीं पढ़ लेकिन साधु से क्यों ग्रहण करें, एक साधु से क्यों ग्रहण करें। तब श्री जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी वो उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया है
कहते ऐसे कुछ वृक्ष है जिस वृक्ष का पेड़ का अगर आप बीज ले करके आप बो दोगे ना कहते वो वृक्ष नहीं होता है। वो कौन सा वृक्ष है? कहते ये बरगद ट्री, बरगद ट्री और पीपल ट्री। आप देखना कभी भी पीपल वृक्ष के नीचे पीपल पेड़ नहीं मिलेगा, कभी भी बटर वृक्ष को नीचे बटर वृक्ष का नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किसी पर्वत को, किसी घर को छत को पर मिलेगा, नहीं तो किसी पेड़ को पर मिलेगा, इधर उधर मिलेगा, है ना। अब देखे होंगे बोले ऐसे क्यों? कारण बोले कारण है उसका नियम है, जब वो बीज को कोई चिड़िया खा ले, वो बीज जब किसी चिड़िया के पेट में जाए, उसको पेट में ऐसे कुछ रस है, जब वो बीज में लग जाए ना, जब वो बीट करता है तभी वो वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। इसका नियम है, हैं? आप देखें ना, एक वृक्ष होने के लिए तीन चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? क्या क्या? पहला नंबर मिट्टी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे पानी होनी चाहिए, तीसरे नंबर में हवा होनी चाहिए। हवा, मिट्टी, पानी, तीन चीजों को वृक्ष होगा। लेकिन आप देखे होंगे छत के ऊपर में वहां पर बटा वृक्ष है, वहां पर कोई पानी भी नहीं, कोई मिट्टी है नहीं, कोई मिट्टी नहीं, पानी भी नहीं। आप देखना पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ हो जाता है, आप उसको उखाड़ दो ना फिर दोबारा निकल जाता है। और कभी कभी ऐसे आप देखे होंगे छत को तोड़ देता है दीवार, देखे कि नहीं, देखे ना, वो दीवार तोड़ देता है, इतने स्ट्रांग बनता है। इसलिए जीव गोस्वामी उदाहरण देकर कहते हैं कि जो बीज है ना, जो कृष्ण मंत्र है, हम गुरुमुख से क्यों सुनते हैं, गुरु से क्यों ग्रहण करनी चाहिए? कारण है जब वो बीज किसी साधु के हृदय में जाए, जो वो मंत्र को कोई साधु जप करता है, और वो जप करते 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 एक दिन वो जो मंत्र है वो साक्षात कृष्ण रूप में प्रकट होता है, भगवत रूप में दर्शन देता है। जब दर्शन देता है, जब फिर उनकी मुंह से जब मंत्र सुनते है ना, श्रवण करने पर वो मंत्र इतने शक्ति, ध्रुव जी को नारद एक बार मिले, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक बार मंत्र दिए, देखो मंत्र जप करते करते देखो, नारद जी को देखो, जो वाल्मीकि दसुरत्ना करता, दसु था, डका था, डका डालता था, लेकिन एक बार श्री नारद जी बोले, उसको बोले बोलो राम, बोलो जोर से राम, लेकिन वो इतना पापी था, उसको मुंह में राम का नाम ही नहीं निकला, इतना पापी था। उसको बोले मरा मरा तो कर सकते, मारो 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 मारो, बोले मरा मरा तो कर सकते, हाँ बोले इतना कर सकते। इसलिए कहते उल्टा नाम जब तक जगह जाना, और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, और नाम ले विचार कर, अगर वो मरा करते 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 अगर दसु रत्ना कर अगर वाल्मीकि बन सकता है, अगर आप सीधा नाम पर राम राम ले पर क्या नहीं हो सकता, फिर उसमें क्या नहीं हो सकती है, समझ रहे हैं? इसलिए नियम है वो मंत्र को अपने आप नहीं करनी चाहिए, किसी साधु की मुंह से ये नाम को ग्रहण करनी चाहिए। फिर तो दसु जैसे व्यक्ति भी वाल्मीकि बन, रामायण देखे होंगे, लव कुश देखे हो, लव कुश क्या कहते हैं, बोले हमारे गुरु जी राम को कह रहे हैं, बोले आप आने से पहले हमारे गुरु जी आपका सारी लीला को दर्शन कर चुके थे, इसलिए उन्होंने वाल्मीकि नाम का एक महाकाव्य रचना किया। अब अभी तक जो लीला की उन्होंने पढ़ाया, आगे क्या होगा अभी तक गुरु जी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए आपको हम सुना सकते हैं आपके दरबार में। अभी तक गुरु जी ने जो कुछ वर्णना करके हमें जो सुनाया वो सुना सकते हैं। ये जो लव कुश ने राम दरबार को उन्होंने राम कथा राम मतलब इतने शक्ति भगवान के नाम, इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम हम जप करनी चाहिए। भगवान नाम में इतने शक्ति, प्रभु के नाम में इतने शक्ति है, इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कहते भक्ति लता भी जो बीज है गुरु और कृष्ण कृपा से जीव को प्राप्त होता है। गुरु जी कृपा करके वो जो नाम देते हैं, है? गुरु जी कृपा करके जो नाम देते हैं, कहते यही बीज है, फिर क्या करनी चाहिए, जिसे बीज को हमने बो दिया, फिर कल सुना रहे थे ना, बोले कृष्ण का नाम भी आता है कृष्ण कृपा से, क्योंकि गुरु चार तरह का है, लेकिन एक गुरु अंतर्यामी गुरु हमारे हृदय में जो बैठे है, जो कृष्ण बंदे जगत गुरु, जो कृष्ण ही मूल गुरु है, वही हृदय से प्रेरणा जीव को प्रदान करते हैं। प्रेरणा दे करके हमें सही मार्ग पर, सही स्थान पर कौन पहुंचाएंगे? ठाकुर जी पहुंचाएंगे।
क्योंकि हम तो किसको जानते नहीं, कौन साधु कौन असाधु, कौन भजन करता नहीं भजन करता, हम थोड़ी पता है। ये चीज ठाकुर जी को पता है, ठाकुर जीव को लेकर के सही स्थान पर ये ठाकुर जी जीव को पहुंचाते हैं। जैसे ध्रुव जी जब तपस्या करना शुरू किया, अब देखोगे भागवत, भगवान को पाने के लिए इतने व्याकुल हो गया, शेर को भी देखना गले में ले लेते हैं, आप क्या मेरे वही प्रश्न पलास बचने से लिया, हाथी को भी देखे उनको भी इसको भी गले में लगा देते हैं, कहते आप क्या वही हरी हो, सांप को देखे उसको भी गले में लगा देते हैं। जब उन्हें व्याकुल हो गए तब से क्या हुआ, भगवान नारद जी को भेजा, भगवान ने नारद जी को भेजा, बोले नारद जाओ जा करके मेरे भक्त ध्रुव को परीक्षा करके ये मंत्र को परीक्षा करके ये प्रदान करो। खैर जब उन्हें आई, उन्होंने परीक्षा बहुत थोक पीट कर परीक्षा ली, बोले कोई भजन का समय है, जाओ घर चले जाओ, थोड़ी सी मैया थोड़ी सी कड़ी वचन बोल दी, घर छोड़कर आगे भजने को लड्डू बना के खा लो, अभी तुम्हारा खेल सोने करने का समय, जाओ घर में जाओ, तेरे पिताजी तेरे को ढूंढ रहे पागल हो, घर में जाओ। तो ध्रुव जी ने कहा आपका नाम क्या है, बोले नारद, लगता है आपको डुप्लीकेट नारद, क्योंकि हमने सुना नारद जी सबको भक्ति के मार्ग दिखाते हैं, ठाकुर का भक्ति के मार्ग दिखाते हैं, आप तो कह रहे हो घर में वापस चले जाओ, है वापस चले जाओ। तो ध्रुव जी कहते हैं अगर आप नारद है ना, मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया भगवान मेरे को जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बोले क्यों, बल्कि जब किसी साधु का दर्शन हो जाए, साधु दर्शन हो जाए, समझ जानी चाहिए ठाकुर जरूर तुमको प्राप्त होंगे ही, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर, प्रभुपाद कहते हैं भगवान की कृपा के बगैर साधु नहीं मिलते हैं, और साधु के कृपा के बगैर भगवान नहीं मिलते, साधु कृपा से ही भगवान मिलते हैं और भगवत कृपा से ही साधु मिलते हैं, ये दोनों दोनों को कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, कहते ये भक्ति लता बीज, भक्ति लता बीज जो बीज है ये गुरु कृष्ण से ही ये भक्ति लता बीज हमें प्राप्त होता है। अभी गुरु जी तो यहाँ पर हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं, टीका में कहते हैं बताए ना, तुलेयाम लभे ना आप न स्वर्ग न आपो नर्भव, मतलब एक लव साधु संघ से जो प्राप्त होता है, कहते ये स्वर्ग अपवर्ग का शोभन बराबर नहीं कर सकते। तो उन्हें टीकाकार प्रश्न करते हैं, भैया साधु से हमें ऐसे की क्या चीज मिला, साधु हमें ऐसे क्या चीज दिए हैं जो कहते स्वर्ग अपवर्ग भी बराबर नहीं कर सकते, क्या चीज मिलता है साधु से। कहते जो भक्ति लता रूपी जो बीज है ना, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ, साधु संघ के बगैर ये कृष्ण भक्ति का जो मूल है, ये साधु के कृपा के बगैर कभी भगवान की भक्ति मिल नहीं सकती, ये साधु कृपा से ही भक्ति बनती है। यही जो बीज उन्होंने दिया, हृदय में श्रद्धा दिया है, जो हृदय में जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा प्रकट करते हैं, कथा बोलते बोलते ठाकुर का कहते ना, बिनु सत्संग विवेक नाम हुई और राम कृपा बिनो सुलभ नाश हुई, की भगवान कृपा से मिली है, ठाकुर को कृपा से, और साधु संघ के बगैर जीव कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर अभी तो हमारे हृदय में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बीज बो दिया, बीज तो बो दिया है, कहते वो बीज क्या है, कहते वो बीज क्या है। तब यहाँ पर गुरुदेव अच्छी बात कहते हैं, आप बोलोगे जे क्या जीव का हृदय में बीज थी नहीं, साधु ने वो बीज दिया, भावस्य। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये चीज को समझो, प्रत्येक जीव का हृदय में ना भगवान के प्रति एक भाव विद्यमान है, किसके अंदर में वात्सल्य रस है, किसके अंदर में दास्य रस है, किसके अंदर में मधुर रस है, किसका अंदर में सख्य, सभी का हृदय एक भावना है, पहले से विद्यमान है। जैसे श्री गोप कुमार है, गोप कुमार से मंत्र मिला, किसको, कामाख्या देवी की मंत्र मिला, लेकिन उन्होंने गोपाल मंत्र को जप करते गए, लेकिन जप करते करते गोपाल मंत्र का प्रभाव से उन्होंने पहले उन्होंने तो सब लोगों में जहाँ जहाँ इच्छा करी देश का राजा बना दिया, कभी हैं? जो इच्छा करे वही मिल जाए उसको, जो इच्छा करे मंत्र जब करते के स्वर्ग में जाकर इंद्र बन जाते, लेकिन वो वहाँ सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर वहाँ से भूर भूप सारे लोग को पार कर गए, वैकुंठ लोक में भी पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने नारायण को प्राप्त किया, लेकिन नारायण तो बात नहीं करते,
सब वहाँ भगवान मान के वहाँ भी उनका आनंद नहीं मिला, क्योंकि हमसे बात नहीं करते, समय होने पर दरवाजा बंद हो जाता, ये कैसे भगवान है। खैर उनको ले गए अयोध्या में, अयोध्या में भी वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पर भी उनको सेटिस्फाइज नहीं हुआ। फिर गले कहाँ पर द्वारका मथुरा लास्ट में मंत्र लेकर कहाँ चला गया, गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण से मिला दिया। इसलिए जो गोपाल मंत्र है ना, जब जीव का हृदय में एक रस विद्यमान है, एक रस है जैसे विद्यमान, इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्वाधीन नक्षत्र का पानी होता है, सुने स्वाधीन नक्षत्र का पानी, क्या अगर ये सीप में पड़ जाए ना वो मुक्ता बन जाती है, हाथी के सर पर अगर पड़े तो वो गजब मुक्ता हो जाता है, हैं? गैया हिरण की गैया की खूर से मिले कद क्या बन जाती है, गोरचना बन जाती है, हिरण की हिरण के नाभि में अगर पड़ जाए तो हो जाता है मृग नाभि पस्तुल बन जाती है, केले के पेड़ में लग जाए हो जाता है कर्पूर बन जाता है, लेकिन वो पहले से ही ये जीव का हृदय में एक भावना जीव अलरेडी है, एक अलरेडी है, लेकिन जब ये साधु संग रूपी श्रवण कीर्तन रूपी पाए जब सिंचन करेंगे फिर वो धीरे 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 प्रकाश होगा। यद्यपि जीव का स्वरूप है कृष्ण है जिनका स्वरूप ही भगवान का नित्य दास है, लेकिन ये श्रवण कीर्तन जले करे सचर, अभी धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, इसको श्रवण कीर्तन रूपी उसमें पानी सींचना पड़ेगा, उसमें पानी सींचने पर धीरे 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 पहले दो पत्ता निकलेगा, पहले तो अंकुर निकलेगा, अंकुर के बाद में दो पत्ता फिर निकलेगा, हाँ देख पेड़ देखेगी नहीं, इसलिए पहले दो पत्ता निकलेगा, कभी कैलेसरा की नहीं और सुबह था, और पत्ता की एक तरफ में कोमल और एक तरफ खसखस है, एक राग भक्ति और एक वैद्य भक्ति, एक राग भक्ति और एक वैद्य भक्ति है, कभी ये वैद्य भक्ति में लता निकलेगा, इसलिए धीरे 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 फिर लता धीरे धीरे लता बढ़ते जाएगा, लता धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी धीरे धीरे लता, लेकिन यहाँ पर कहते श्रवण कीर्तन जले करे सचर, हमें कर क्या करना पड़ेगा, जिसे गुरुदेव ने मंत्र हमें दे दिया, जिसे ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया, क्या ध्रुव जी चुप बैठ गए, गुरुदेव ने माला दे दिया, माला को लटका कर रखने से भूल जाएंगे, नहीं क्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, जैसे ध्रुव जी ने कैसे साधन की, हम कभी कभी बोलते ना गुरुदेव माला जप करते करते माला काली बन गई, अभी तक तो कृष्ण मिटेंगे गुरुदेव और कोई मंत्र होते थे तो अभी तक तो कोई नहीं, हमें सही सही भजन करना पड़ेगा, जैसे ध्रुव जी ने कैसी तपस्या की, देखो जब वो एक बार भोजन करते थे, एक बार क्या पहला महीना में क्या भोजन किया, पहला कपित फल उन्होंने एक बार खा लिया, तीन दिन में एक बार खा लिया, और तीन दिन में एक बार खा कर बैठ गए तो उन्हें जो बैठ गए तीन दिन तक पेशाब सब खत्म भूल गए, और एक जगह पर बैठ कर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक जगह पर बैठ करके उन्होंने एकदम नाम रस में डूब गए, लेकिन अगर हम 10-15 मिनट बैठ जाए कहते माला खत्म नहीं हो रहा, रोटी ठंडा होती जा रही है, अभी ये माला खत्म नहीं होगी, माला कब खत्म होगा, अगर 16 माला अगर किसी तरह से करते हैं ना, अगर 16 माला खत्म हो जाए ना माला कहते हैं आज से और दर्शन नहीं हो गया होगा, इसलिए भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, इसलिए साधन कैसे करना पड़ेगा, एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे आपको पृथ्वी से आपको ये निकालना पानी निकालना, कैसे निकाल सकते हो पृथ्वी से पानी कैसे निकलेगा बताओ, अगर एक जगह पर दो तीन हाथ खोद दिए देखा पानी नहीं निकला, फिर दूसरे जगह पर खोदे वहां भी 4-5 हाथ खोद दिया लेकिन पानी नहीं निकला, और एक जगह पर गए वहां भी 2 हाथ खोद दिया, अगर ये पृथ्वी को पूरा ऐसे खोद डालेंगे बताओ पानी निकलेगा, पानी निकलेगा नहीं, तो पानी कैसे निकलेगा, तो उसको जब तक वो पानी नहीं निकलेगा उसको खोदते रहो, उसको खोदते रहो, खोदते 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 घुसी जाएगी ना फिर पानी निकलेगा, निकले अगर पूरा पृथ्वी को ऐसे छोटे छोटे खोद डालो पानी नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है हम भजन तो करते हैं किसी तरह से एक दो माला कर लिया, माला को लटका दिया, लटका करके फिर दूसरे चिंता में लग गए, तो भगवान भजन गई दिमाग से, गई दिमाग से चली गई, फिर दूसरे चीज में लग गई, दूसरे चीज फिर थोड़ी कोई एक दो माला किया फिर दूसरे काम में लग गए, काम में लग गए तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद में फिर भगवान फिर 2 मिनट
भैया ऐसे होने से भगवत प्राप्त नहीं होगा। भगवत प्राप्ति कब होगा भैया? जब तक वो पानी नहीं निकल जाएगा, जब तक भगवान नहीं निकल जाते, तब तक क्या करो? बोलते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, भगवत स्मरण करते रहो, हैं भगवत स्मरण करते रहो, करते रहो। ध्रुव जी को तभी तो भगवान मिले ना। पहला महीना में 3 दिन तक आप बैठो, 3 दिन तक बैठ करेंगे वो नम भगवत वासुदेवा। नहीं तो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। उन्होंने बताया, उन्होंने बोले ये मंत्र को जब उन्होंने कुछ दिन में करने लग गया ना, उनको क्या दिखने लगा पता है? आकाश में जो देवता लोग यहाँ भी देवता लोग घूम रहे, ऐसे कोई जगह नहीं देवता लोग यहाँ पर भी। लेकिन जब ये मंत्र को कुछ दिन उन्होंने सही जब करने लग गए, सारे देवता को देखना शुरू, ये देवता भी घूम रहे हैं, अपने आप देखना शुरू हो गया। क्यों? हृदय तुम्हारी साफ बनी जाती है, हृदय तुम्हारी निर्मल हो जाती है। हृदय निर्मल होने पर फिर सब अपने आप तुमको देखने लग जाएगी, सब चीज देखने लग जाएगी, सारे अनुभूति वहाँ कौन क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं। साधु लोग पहले पहले होते थे ना, सारे बात देखते ही बता देते, तुमने यहाँ से आए तो कैसे साधन करते। लेकिन हमारे अंदर में कभी क्या साधन नहीं करते, हम साधन नहीं करते। गुरुदेव और कोई मंत्र नहीं, ये मंत्र काम नहीं कर रहा है। गुरुदेव और कोई मंत्र होता नहीं, जो मंत्र दिए ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र, भगवत महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु बोले कही लाभ यही महामंत्र, यहाँ जप गया सबे कहिया निर्बंध, और यह आते सर्व सिद्धि है वे सवार सर्व कण बोलते विधि न। यार महाप्रभु बोले तुमको ये जो मंत्र दिया, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान तुमको दिया, ये मंत्र को ठीक से जप करो। अगर ये मंत्र को ठीक से जप करोगे ना, इससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जो कुछ मांगोगे। नाम को चिंतामणि बताया, चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता करो वही मिल जाएगी। चिंतामणि मतलब ये ऐसे कोई चीज नहीं जो ये हरिनाम से हमें नहीं मिलने वाली। जब महाप्रभु से उनको है, जब महाप्रभु से पूछे, प्रकाश बोले ये तुम कभी कभी नाचते हो, कभी कभी रोते हो, कभी कभी जाते हो, ये क्यों कर रहे हो? तुम सन्यासी हो करके ये सब कभी नाचते, सब क्या है? महाप्रभु क्या बोले, बोले गुरु मेरे मूर्ख देखी कर ले शासन। गुरुदेव बोले तुम मूर्ख हो, इसलिए मेरे को शासन ने किया। बोले क्या शासन ने किया? बोले तुम्ही है मूर्ख, तुम्हारे वेदांत ना ही अधिक, तुम ये वेदांत वेदांत को समझ नहीं सको। लो तुमको ये हरिनाम महामंत्र दिया, और ये महामंत्र को तुम ठीक ठीक से हरिनाम महामंत्र जप करो। हैं इसलिए मैंने गुरु जी के आदेश को पालन करते हुए हम कई हरिनाम जप करते रहा। हरिनाम करते 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 एक दिन तो ये हरिनाम करते करते पता नहीं, जब हरिनाम में संपूर्ण मैंने डूब गया, संपूर्ण हरिनाम में मैंने डूब गया, तो मैंने फिर क्या देखा? मैंने देखा वृंदावन में जमुना नदी कलकल नाद से गई, बड़े सुंदर कदम वृक्ष है जिसके नीचे कृष्ण खड़े होकर बंसुरी बजा रहे और मुस्कुरा कर ये मेरे को बुला रहे। कृष्ण को देखते ही मैं तो भागा हूँ, भागते भागते कृष्ण को मैंने पकड़ लिया है। जब पकड़ लिया ना, देखा कृष्ण और थोड़ी दूर भी जाकर बुला रहे। इसलिए जब जब मैं हरिनाम करता हूँ वृंदावन में, कदम वृक्ष के नीचे जमुना किनारा में कृष्ण को बंसुरी बजाते हैं। बोले भैया यही नाम का फल है, यही नाम का यही फल है। साक्षात कृष्ण तुम्हें साक्षात रूप में नाम से, नामी स्वयं कृष्ण दर्शन मिला, यही नाम की फल है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरुदेव मंत्र लिए, अभी क्या करना पड़ेगा? अभी हम हो गए माली, अभी हो गए माली, तो माली होकर क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, तभी तो धीरे धीरे उतरेगा ना। अगर पानी नहीं दोगे तो बन जाएगी। फिर गुरुदेव यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, कहते पानी कैसे पानी बननी चाहिए, कहते अगर खारी पानी दे दोगे ना फिर पेट भर जाएगा, खारी पानी, अगर मीठा पानी दोगे फिर तो बढ़िया होगा। कहते मीठा पानी तो मीठा ही है, लेकिन गुरुदेव कहते उसमें थोड़ा चीनी डालो और मीठा, बोले नींबू थोड़ा डाले और मीठा बोले और बढ़िया हो जाएगी, है बढ़िया हो जाएगी पानी और स्वाद आ जाएगा, है स्वाद आ जाएगी, कर्पूर डाल दो और भी स्वाद आ जाएगा। कहते गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव जो बीज बोए हैं उसमें पानी कौन सा पानी देना चाहिए? बोले भैया ज्ञान कर्मों का पानी नहीं, ज्ञानी जो भगवान को निराकार मानने वाले एक संग्रह करो,
जो कर्म कर्म कहते हैं अपना शरीर को ही मैं बड़ा मान करके हम करने वाले मैं हूँ और इसीलिए कर्म कर रहा हूँ, स्वर्ग जाऊंगा, भोग करूंगा, ऐसे व्यक्ति का संग मत करो। जो सिद्धि ऐसे संग मत करो, कैसे संग करो, कैसे भक्तों का संग करो, कृष्ण भक्त का संग करो। और कृष्ण भक्त में भी जो चैतन्य महाप्रभु जो धारा में आए ऐसे अगर भक्तों का संग करोगे, महाप्रभु कहते हैं जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी एकाद आश्रय कर चैतन्य चरण चैतन्य भक्त तुम्हें नित्य कर संग तभी तो जीवन में। अगर महाप्रभु के रूपी भक्तों का संग करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा, भक्तिवृंद ठाकुर एक साथ में तुमको गोलोक वृंदावन और महाप्रभु का धाम, एक साथ में तुम्हें दोनों धाम, एक गोलोक वृंदावन और एक महाप्रभु का धाम, एक साथ में तुमको दो धाम है, दो स्वरूप धारण करते हुए जाओगे, एक में रूप गोस्वामी, एक में रूप मंजरी, एक में सनातन गोस्वामी, एक में लवंग मंजरी, एक में विलास मंजरी, एक में जीव गोस्वामी, एक में लवंग है, फिर तो एक में रति मंजरी, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक में स्वरूप दामोदर, एक में ललिता मंजरी करके एक साथ में दोनों धाम में ठाकुर का सेवा करोगे, ऐसे सबका मिलेगा तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ की वस्तु की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें उसमें मीठा पानी देनी चाहिए, मतलब ऐसे रसी के भक्तों का संग। इसलिए बोलते हैं कृष्ण रस भाविता मसी प्रियता कुतर यदि लभ्यते तत्र लौल्य मृल्य मेकलम कुटी सुकृत अभी न लभ्यते। अगर ऐसे रसी के भक्तों का संग मिल जाए ना, कहते करोड़ सुकृत से जो चीज नहीं मिलेगी, ऐसे भगवान रस में जो भावुक है भगवान के श्रेष्ठ भक्तों का संग मिल गया ना, कल्याण हर बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करो और भगवान की भक्ति करो और जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी। ठीक है, मिथाई गौर ब्रह्मानंदी सचिनंदन गौर। इसके बाद में क्या हुआ, फिर शाम को सुनो, शाम काम करेगा। हाँ, इसके बाद में फिर क्या हुआ, महाप्रभु आगे क्या किया, ये जो टॉपिक है ना बहुत बढ़िया टॉपिक है, महाप्रभु कितने अच्छी अच्छी बात बताए, कैसे धीरे धीरे हम भक्ति में, कैसे धीरे धीरे भक्त में बैठे, इसमें महाप्रभु डिटेल के रूप में सारी बात महाप्रभु। ठीक है, कितना टाइम, कितना टाइम हो गया, एक मिनट, एक अभी मेरे पीछे पीछे भजन को गाओ, जो भजन सुनने पर जगन्नाथ जी स्वयं भक्त भक्त ठाकुर जी आते हैं, ये भजन को सुनने पर। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे सब ताली बजा के गाओ, बोले जय जय देव हरे,
Krishna, 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 Krishna.
शुक्ला, विमलेश शुक्ला प्रभु जी आज अपना घर में भक्तों को बुलाए। अब धर्मपत्नी का नाम क्या है? प्रमिला शुक्ला। प्रमिला कहाँ है? प्रमिला आजा इधर, आजा इधर, आजा। हाँ देखो, इन्होंने आज अपना घर में भक्तों को बुलाए, हरि कीर्तन करवाए। जिस घर में भक्त लोग आ जाए, घर में हरि कीर्तन हरि हरि कथा हो, के तो घर घर नहीं, वो घर क्या है, धाम बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने सचमुच से अपना घर को वृंदावन, ठीक ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना घर को सचमुच से वृंदावन धाम बना के रखा, जहाँ पर ठाकुर जी हो, जहाँ पर संत लोग हो, वही वृंदावन धाम है। इसलिए इनके ताली बजाओ। अच्छी बात। और आपको पत्नी की कला महापुरु नित्यानंद का माला निकालते, बड़ी माला है, इसी से काम चला। नहीं, ये माला पहना दो आप, अपना बिल्कुल माता जी को पहना। हरे कृष्णा। यहाँ पर आपको जो भक्त लोग, यहाँ पर अब परिचित भक्त लोग आए ना, आपको जो जानते हैं, नए नए कौन है? From Marmarvilimba, they are new, and he is new. I mean, I know him, but most of the people, they don't know him. Is Mr. Kapoor, Mrs. Sehgal. Oh, Mrs. Sehgal, Mrs. Sehgal. They are from Delhi. Delhi. कहाँ से? Delhi में? जी, Delhi के बराबर में ही एक है, गाजियाबाद। गाजियाबाद जी, हम वहाँ जाते हैं, गाजियाबाद जी, वहाँ मोहन नगर है। मोहन नगर, हाँ, वहाँ पर हम कथा करते हैं, आसपास में जाते हैं, गाजियाबाद में जाते हैं। गाजियाबाद के पास में का मंदिर है ना? नहीं, मंदिर नहीं, हम तो वहाँ नोएडा में मंदिर है, नोएडा में, नोएडा मोहन नगर के सामने भी बहुत भव्य मंदिर बनाया उन्होंने। अच्छा, नोएडा में मंदिर है। अब कितना साल हो गया इधर आए? जी, मैं 3-4 बार आया हूँ। आपकी बेटी है? मेरी बेटी है। बेटी इधर है जी, फिर आप वापस चली जाएंगे जी? हाँ, घूमने के लिए आया और मिलने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है, उधर बहुत गर्मी, इधर ठंडा है। अभी भी उधर आया ना, बहुत गर्मी है जी, इधर उधर तो ठंडा है। अच्छी बात। हाँ, और पीछे जो माता जी खड़ी, आप कहाँ से आई हो? मैं मेलबर्न से आई हूँ। मेलबर्न से? हाँ, आपकी भी बेटी यहाँ रहती है? हमारे पास में ही मित्र है, हमारे ग्रुप में ही रहती है। आपकी बेटी इधर रहती है? आप मेलबर्न भी रहती है हर समय? हाँ जी। वहाँ शिफ्ट हो गई 2006 से रह रही हूँ। 2006 से? बहुत दिन हो गया। और घर में सब ठीक ठाक है? ठीक है। आपके पति आर्मी में हुआ करते थे इंडिया में, अब यहाँ आके बस गए हैं। उनकी एक बेटी यहाँ है, एक बेटी पर्थ में। पर्थ में, ठीक ठीक, अच्छी बात। भगवान की भक्ति करो, ठीक है? भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, जानते हैं कलयुग का जीव इतने कठोर साधन नहीं कर सकते। आगे आ जाओ। बता जी, आप भी थोड़ा सुन लो गाजियाबाद। देखो, जो जीवन का जो सार है ना, भगवान की भक्ति है। हम तो हिंदू है, अब देखना जीवन में जो कुछ करना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आती है, जब चार व्यक्ति शरीर छोड़ने पर ले जाते हैं, अब सुने होंगे क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, सुने हो? सत्य सत्य यही बोलते हैं, यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात छुटा, ये बोलते हैं ना। इधर सुना, ये बात किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर जो लेटा हुआ है उसको ही सुना। बेटा, जीवन में जितने तुमने राम का नाम लिया, जीवन में जितने तुमने कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहे हैं, कहते सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किए हो सब झूठे है जीवन, क्योंकि यहाँ से एक सुई धागा भी साथ में चली नहीं जा रही। पत्नी रो रो कर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? दरबार तक जाएगी, उसको आगे पत्नी नहीं निकलती। परिवार वाले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे, वहीं पर जला करके ताता करते करते वापस आ जाएंगे, फिर उसको आगे जाएगा तो जाएगा क्या? इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम पायो, बस तू अमोल कदी मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम है। इसलिए जितने राम और कृष्ण का नाम हम जितने लिए, केवल वही जीवन में मिलेगा। बोले जगह में सब ही खोवाए, बोले ये धन कैसे है? बोले चोर नहीं लेते, लूटे नहीं जावे, दीन दीन भरत सभाए, ये धन कोई नहीं ले सकता है, जो कमाएगा वही मालिक बनेगा। इसी जीवन में मालिक
तो अगले जीवन में वही उसकी मालिकी बनता है, इसका और कोई नहीं मालिक बन सकता। लेकिन साधारण रूप में जगत में जितने धन दौलत कमाए, आंख बंद होते ही एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जाएगा, सब छोड़ कर जाएगा। लेकिन जितने प्रभु का भजन करते हैं वही चीजें हमारे साथ में जाएगी। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने, एक दिन महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन। महाप्रभु बोले देखो सबके घर में मैं भोजन नहीं करता, बोले किसको घर में भोजन करते हो? तब महाप्रभु बोले जो लखपति बनेगा ना, इधर आ जाऊंगा, जो लखपति बनेगा। हरे कृष्ण, आप ही सुनो, अब सुनाने का जरूरत, आप पहले सुनो। इसलिए कभी जो लखपति बनेगा उसको घर में हम भोजन करेंगे, जो लखपति। अब महाप्रभु मतलब 5.5 साल पहले, लखपति कोई साधारण बात नहीं था। लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा 5 साल पहले। भक्त लोग दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया नहीं, अब तो 5 की बात कर रहे हो, 100 रुपया 100 मतलब 100 स्वर्ण मुद्रा, हम तो कभी हमारे घर में 100 रुपया नहीं। आप कहते जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करेंगे, हम तो कभी बन ही नहीं सकते, क्या हमारे हाथ में खाना भोजन नहीं करेंगे? फिर भगवान से उनको बैठाया, समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली। इसलिए मीरा कहती है, कहते जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आशीर्वाद। जिन लोगों ने ये प्रभु का नाम रूपी धन लूट लिया, जगत में बड़े बड़े धनी, बोले कौन? बोले तुलसीदास जी का नाम जब अमर हो गया, हनुमान जी को देखो घर घर में पूजा हो रही है, मीरा बाई के देखो दुनिया जिसकी पूजा करती है। क्यों? इन लोगों ने प्रभु के नाम रूपी धन को लूटे हैं, इसलिए जगत में इतने बड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन करके नहीं, फिल्म का स्टार बन करके बड़ा नहीं, अगर हीरो बनना चाहते हो, कृष्ण का भक्त बन कर एक बार हीरो बन जाओ। सुशांत था गया, श्रीदेवी थी गई, हैं? जिसको जो हीरो हीरोइन है देखा, जब 10-20 साल पहले जो थे, अभी थोड़ी कोई उनका नाम लिखा है, हनुमान जी तरह युग में आए, कहां करोड़ों साल पहले, ध्रुव प्रहलाद कहां सत्य युग में, अभी भी इनका नाम जगत में अमर है। क्यों? इन लोगों ने भगवान के नाम और के धन को लूटे हैं। इसलिए आप लोग मेरे तरफ में देख लो, लखपति कैसे बन गए। कुछ दिन पहले आता था ना अमिताभ बच्चन का नाम सुने की नहीं है ना, कुछ दिन पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा? भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, अब देख लो कैसे लखपति बन गए। जैसे ये माला है, ये माला में ये जो अंगुल पे इसमें टच नहीं करते, टच नहीं करके ये हाथ में देख लेके, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलकर एक माला सजता है। अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यहाँ खत्म हो जाती है ना, फिर इसको पार नहीं करते, ऐसे फिर घुमा लेते हैं दूसरे तरफ में, कहते देखो 1,00,000 कैसे होता है, लखपति कैसे बना हुई थी। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया। मतलब एक बार बोलते 16 बार हो गया, इसमें 108 है, एक में 16, दो में 32 है, 16 होता है। अगर ये माला को अगर हम ऐसे 25 अगर उसको 16 माला कर लिया, जैसे यहाँ खत्म होते ही फिर दो बार 16 माला कर लिया ना, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर 64 माला किया ना, हो गया 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं, बोले 1,00,000 माला नहीं किया, बोले क्या किया? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गया। बोले भैया इसका ब्याज कितना मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलनी चाहिए। इसलिए मीरा कहती है, दीन दीन बढ़त सवाय, आज अगर 1,00,000 किया ना, कल तुम तो 1,25,000, 1,25,000, और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2, क्योंकि धन इतने तेजी से ये बढ़ती है। साधारण बैंक में जब 10 साल में कहीं जाकर डबल होगा, लेकिन ये 4 दिन में डबल, और ये धन आपकी कापी में ना थोड़ा डिपोजिट होगी। इसलिए कहते चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, हैं? ये धन को कोई नहीं ले सकता है। किसी जीवन में आप ही मालिक बनोगे, अगले जीवन में आप ही मालिक बनोगे, दोनों जीवन में आप ही मालिक बनोगे, उसका कोई मालिक नहीं बन सकते, केवल इसके आप ही मालिक बन सकते कोई, ठीक है ना? इसलिए माला जप करो, ठीक है? माला है पास में, करती हो क्या? कौन सा नाम करती हो? हरे कृष्ण, कौन सा माला करती हो?
शंकर शंकर जी को ना अपना गुरु मानो, शंकर की कृपा से भक्ति लौटी है, शंकर जी गुरु है। लेकिन जो माला करनी चाहिए ना कल युग में, हरे कृष्ण महामंत्र करनी चाहिए। माला करने से पहले शंकर जी को प्रणाम करो, उनसे भक्ति मांगो, वो गुरु है, उनकी कृपा से ही भक्ति मिलती है शंकर जी की। इसलिए उनको गुरु मान कर जो माला में जो करना है ना, ये हरे कृष्ण ये महामंत्र को जपाओ, ठीक है ना। हाँ, शंकर जी की कृपा से ही भक्ति मिलती है। अभी बता रहे थे ना शंकर जी, तब गोस्वामी जी कहते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी, जो पंचमुख में भगवान के नाम ही जप करते शंकर जी, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, ठीक है। अब कौन सी माला है बाबा, अब एक माला देता हूँ, ठीक है जी। आप भी एक ले लें माला, जब वृंदा जब वहाँ आएंगे ना हम गाजियाबाद में जी, मेरा फोन नंबर देना, मैं आपको फोन करूंगा जी, ठीक है। हम जो मोहन नगर में हम आते हैं उसके आस पास में ही हम आते रहते हैं जी, वहाँ भी हम कथा करते हैं, इसलिए जब वहाँ आएंगे आपसे मिलेंगे, ठीक है। और आप भी करते बाबा, गुप्ता जी आप हमारे मित्र हैं, गुप्ता जी ब्राह्मण है, गुप्ता जी बढ़िया है। अब रहने वाले किधर के, रहने वाले तो दिल्ली के, दिल्ली के अभी यहाँ था रहे, यही रहते हैं, यही रहते हैं, यही के सिटीजन हो गए हैं। बेटी आपकी यहाँ है, तीन बेटियाँ हैं, सब यहीं पर है, ऑस्ट्रेलिया में, एक पर्थ में, एक यहाँ पर, और एक और कहीं सिडनी में। दिल्ली शिफ्ट हो रहा है हमारा धीरे धीरे, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है दिल्ली, धीरे धीरे दिल्ली शिफ्ट हो रहा है सारा का सारा दिल्ली। हमें जो आ रहा था देखा दिल्ली दिल्ली में भारत खाली खाली हो रहा है दिल्ली खाली। आपको एक माला देता हूँ, ठीक है। भगवान की माला जब करो, भगवान के जीवन में भगवान की धनी यही धनी साथ में जाएगा। ये बोला कि भारत में जन्म ले लिया, बच्चों को भी लगा, जिस घर में सब भक्ति करे ना वो घर ही वृंदावन है। आप ये ऑस्ट्रेलिया को अब सचमुच से स्थान देना ब्रिजबेन है, ब्रिजबेन मतलब ब्रजबन, ब्रिजबेन मतलब अब दिल्ली, अब मथुरा में जाओ वो ब्रिज, वो ब्रिज जो ब्रिज में नहीं है, वो ब्रिज जो कहते हैं ना शब्द वहाँ पर, वो ब्रिज को ही ब्रिज में नहीं कहते हैं सचमुच से, ये भी धीरे 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 ब्रिज में मतलब ब्रिज में हो रहा है, वृंदावन धाम हो रहा है, भक्त बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को माला देता हूँ कि जो माला है ना ये नीम की माला है, ये तुलसी माला नहीं, इसमें प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस करते करते आप लोग प्याज लहसुन खाते होंगे ना, हाँ धीरे धीरे जब इसी को छोड़ देंगे ना, फिर हम उसको जप करने के लिए तुलसी माला तभी देते हैं, पहले ये नीम माला देते, इसमें हरी नाम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करते करते जब फिर मैं उधर आऊंगा फिर आपसे मैं मिलूंगा, फिर मिलूंगा तो ये माला नहीं, आज आपके पास में ठाकुर जी आ रहे, माता जी इधर आ जाओ, बच्चों को भी हरी नाम करवाना, ठीक है ना जी। हाँ घर में सब बच्चे हरी नाम, आप भी आ जाओ इधर, आपकी बेटी है बहुत श्रद्धालु है, इनकी बेटी हाँ पूजा, उसको पूजा पाठ करती है बढ़िया, बेटी कुछ भक्ति करती है ना जी। हाँ उनका भी धीरे धीरे से सुख संस्कार डालना, आप भी एक माला लो, ये नीम माला आप पति को बोलना, धीरे धीरे इसमें भी हरिनाम करते रहे, हरिनाम करते धीरे धीरे सारी गर्दी चीज छूट जाती है, जो माला देख लिया ना, जय जय हो बधाई हो, ये माला नहीं है आपके पास में, ठाकुर जी आ गए, बधाई हो, इसलिए भगवान का नाम जप करो, ठीक है, भक्ति करो, घर में भगवान के नाम करोगे ना घर का सारे दुखों का छुट्टी हो जाएगी। आप स्वयं देखना, देखो देख इधर सुन लो, माता जो हरे शब्द है ना दो अर्थ है, एक तो हरे मतलब होता है कृष्ण है, और एक हरे का शब्द होता है हरि का नाम से हरे होता है, हरे मतलब होता है इधर इधर सुन लो, ये हरे मतलब होता है जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले, हरि का नाम लेने से दुख कष्ट हर जाती है। कृष्ण मतलब होता है कभी कभी देखना मन में अशांत रहता है, घर में सब चीज है लेकिन मन को शांति नहीं, मन को शांति नहीं, ये कृष्ण शब्द बोलने पर। श्री मतलब होता है आकर्षण करना, सना मतलब आनंद देना, कृष्ण नाम लेने से जो अशांत मन जो भटकता हुआ मन है वो भटकेगा नहीं, इसलिए कृष्ण है। राम मतलब क्या है बोले जीवन में जो आराम है, जीवन में आराम, हम तो यही चाहते ना, वो क्या चाहते दुखों कष्ट दूर जाए, जीवन को शांति सुख और जीवन में आराम, जीवन यही तो चाहते हैं ना, वो क्या चाहते हैं, हरि नाम करने से आप ये सारे चीजें आपको हरि नाम से मिलेगा, ठीक है। और हरि नाम करो, बच्चों को भी कराओ, है जो बच्चों को हरि नाम कराओगे देखना, जो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, हरि नाम करो, मन पढ़ाई मन लगेगा, अपने आप मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है।
हम लोग समझेंगे ना कैसे माला करना है। जैसे ये अंगुल को उसमें टच नहीं करना, ठीक है, निकाल लो और देख लो, ये अंगुल को टच मत करो, ये अंगुल को टच मत करो, हाँ ऐसे ऐसे हाँ ऐसे, हाँ आप भी निकालो इसको पार कर, हाँ ऐसे, जैसे जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सीधा सीधा, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, ने कितना जल्दी नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देख लो हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब यहाँ खत्म हो जाएगा ना, उसको पार नहीं करना, पार नहीं करके जैसे यहाँ खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी सवेरे कोशिश करना, हाँ देखो सवेरे सुन लो, सवेरे जैसे ना, अरे सवेरे कोशिश करना हाथ धो करके जैसे प्रभु के सामने बैठ करके एक दो माला करके फिर भोजन करना, ठीक है। और इसमें कुछ नियम नहीं, जैसे बिस्तर में बैठी नींद खुल गई तुम्हारे, बिस्तर में बैठ कर भी कर सकते, उसमें कोई नियम नहीं है, अपवित्र अवस्था में भी इसको कर सकते, उसमें कोई नियम नहीं, ठीक है। लेकिन तब भी कोशिश करना ठाकुर के सामने बैठ कर कुछ माला करने, ठीक है। जैसे यहाँ खत्म हो गया, जैसे यहाँ खत्म हो गई, इसको फिर जिधर से खत्म हुआ ना, इधर से फिर कर दीजिए घुमा उसको, वो करते करते आप कोई दिक्कत नहीं, झोली ले, खाली झोली ले, अब आपके हाथ में है, करोड़पति बनना हो, अरबपति बनना हो, लखपति बनना हो, आपके हाथ में है, लॉटरी का टिकट है, अपनी तरफ खींच रहा है, सब बढ़िया है, अपनी तरफ खींच रहा है, रवीन प्रभु का पत्नी कहाँ गई, आई रवीन प्रभु नंदिनी दीदी, रवीन रवीन प्रभु का पत्नी आई नंदिनी दीदी, आपको इसको बंद कर दो, आपको साथ आपको बंद करो, महाराज करो, बंद करो, अभी आरती होगी 25।